आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी सेकंड सेम का जो लेसन है, हरियाणा यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में बीएससी सेकंड सेम में ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस लेसन है सीईएम जोड़ का, अवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, हमारी सभ्यता में क्या क्या कमियां हैं, क्या अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हाईलाइट किया है इसके अंदर। और मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि वो कमियां क्या उजागर कर रहे हैं, तो ये एक आज के संदर्भ में बहुत ही बड़ा पहलू है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम एकजुट हो चुके हैं, सारे की सारी दुनिया, उसके बैड इफेक्ट्स भी हैं, उसके गुड इफेक्ट्स भी हैं, वो बातें इसके अंदर की जाएंगी। सबसे पहले ऑर्डर एंड सेफ्टी की वो बात करेंगे कि आज की सभ्यता के अनुसार व्यवस्था और सुरक्षा हमारे पास है। आज के समय में हमारे पास कोई खतरा नहीं है कि कोई सभ्यताएं और किसी सभ्यता का आदमी आकर इस सभ्यता को नष्ट कर देंगे। जैसे कुछ सभ्यताओं के अवशेष हमारे पास मिलते हैं, बेबीलोन सभ्यता हुई है या हड़प्पा सभ्यता हुई है, बहुत सी सभ्यता हुई है, वो किसी न किसी कारण से नष्ट हो गई है। आज के समय में सारी की सारी दुनिया का पता लग चुका है कि कौन कहाँ पे रहता है। अब ये कोई खतरा हमारे पास नहीं है कि कोई आदमी बाहर से आके अटैक कर देगा कि सारी की सारी सभ्यता को खत्म कर देगा, तो ऐसा तो डर हमारे पास नहीं रहा है। ये सीईएम जोड ने, सीरिल एडविन मिचेनसन जोड, पूरा नाम इनका है सीईएम जोड, सीरिल एडविन्स मिचेनसन जोड़। इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1891 को और ये एक्सपायर्ड हो गए थे 9 अप्रैल 1953 को। यूनाइटेड किंगडम मींस ब्रिटेन के रहने वाले थे और ब्रिटेन में ये एक्सपायर हो गए थे। इसने ये भी हाईलाइट किया है कि आज के समय में जो व्हीकल्स हैं बहुत ज्यादा, मतलब इतने स्पीड से चलते हैं बहुत ज्यादा कि हम इंग्लैंड से स्कॉटलैंड में इतनी देर में नहीं जा सकते, हम इंग्लैंड से आके लंच जो है अपना डिनर यहाँ पे हिंदुस्तान में कर सकते हैं। मतलब ये जो बातें इसके अंदर हमारी, क्या साइंस ने क्या तरक्की की है, जैसे एटम बम बना दिए हैं, बट उसका अगर साइंस ठीक तरीके से प्रयोग की जाए तो बढ़िया है, अगर उसको गलत तरीके से प्रयोग करेंगे, जैसे अभी कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग तरीके से, बहुत ज्यादा सारी दुनिया उससे डरी हुई है और किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, ये सिविलाइजेशन के इफेक्ट ही है सारे के सारे, ये कि हमारी सभ्यता जो है इतनी दूर जा चुकी है कि हम एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं, सारे बिल्कुल सारे देश आपस में जुड़े हुए। और यही कारण है कि जो चाइनाज वायरस है वो थ्रू आउट वर्ल्ड है, सारी की सारी दुनिया उससे सफर हो रही है। अदरवाइज अगर प्राचीन सभ्यताएं होती तो एक ही जगह पे ये खत्म हो जाता। तो इसके कुछ अच्छे इफेक्ट भी हैं, साइंस की इन्वेंशन के बारे में बताया उन्होंने कि इसको अच्छी तरीके से हमारे पास सबसे बड़ी आज के समय में कमजोरी है कि हमारी दुनिया में बहुत ज्यादा गरीबी है, उस गरीबी को दूर करने के लिए करें। ये बातें सारी की सारी इस लेसन में समरी की टाइप में हम करेंगे, क्योंकि डिटेल बहुत ज्यादा लेसन है, अगर पॉसिबल है, अगर जरूरत पड़ती है तो उसको हम डिटेल में भी कर लेंगे, अगर है तो कमेंट में डाल देना, उसको डिटेल में भी डाल दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं लेसन की। आवर सिविलाइजेशन हैज मैनी गुड थिंग्स, हमारी सभ्यता में कुछ बहुत सी बढ़िया बढ़िया चीजें हमारे पास है। फर्स्ट, इट हैज गिवन अस ऑर्डर एंड सेफ्टी, सबसे पहले इस सभ्यता ने हमें व्यवस्था और सुरक्षा दी है, ऑर्डर एंड सेफ्टी, व्यवस्था और सुरक्षा हमें दी है। टुडे वी डू नॉट गेट बीटन अप बाय अनदर मैन, आज के समय हमारे को कोई दूसरा आदमी पीट नहीं सकता, ओनली बिकॉज वी आर वी, कि हम कमजोर हैं कि इस वजह से हमें कोई पीट के चला जाएगा, ऐसा बात नहीं है। वी कैन गो टू लॉ, हम कानून के पास जाएंगे, एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट अस, और कानून हमारी रक्षा करेगा, कानून हमें बचाएगा। Thus in quarrels between man and man, right has taken the place of might, इस प्रकार आदमी और आदमी के बीच में जो झगड़ा है उसका स्थान आज के समय में ताकत का स्थान अधिकार ने ले लिया, right has taken the place of might, ताकत, might means ताकत का स्थान अधिकार ने ले लिया है। The law also protect us from robbery, होता है डाका, कानून हमें बचाता है, protect रक्षा करना, हमारी सुरक्षा करना डाका डालने से, and violence और हिंसा से हमें बचाता है। फॉर फियर ऑफ लॉ ऑफ द लॉ, कानून के डर से नोबडी कैन ब्रेक इन टू अवर हाउस, की ब्रेक इन टू होता सेंधा लगाना, चोरी करना, कोई भी हमारे घर में चोरी नहीं कर सकता है, एंड स्टील और गुड्स हमारी वस्तुएं नहीं चुरा सकता है, और किडनैप और चिल्ड्रन हमारे बच्चों को उठा के नहीं ले जा सकता है। ऑफकोर्स निसंदेह रूप से थीव्स आर स्टिल देयर, चोर अब भी है यहाँ पर, बट दे आर वेरी फ्यू, परंतु बहुत कम है, एंड द लॉ पनिशेस देम, और कानून जो है उन्हें दंड देता रहता है। Whenever it catches them, जब भी कानून उनको पकड़ लेता है, जबकि कानून के कब्जे में जब भी आ जाते हैं तो उनको पनिशमेंट दी जाती है। We may not realize the importance of order and safety. We may not realize, हमें एहसास नहीं है महत्व का, व्यवस्था और सुरक्षा के महत्व का हमें एहसास नहीं है। बट इफ देर वर नो ऑर्डर एंड सेफ्टी, अगर कोई व्यवस्था और सुरक्षा ना हो, सिविलाइजेशन कूड नॉट डेवलप, तो सभ्यता विकसित नहीं हो सकती।
द इन्वेंटर कुड नॉट इन्वेंट, खोज करने वाला किसी चीज को खोज नहीं, इन्वेंटर होता खोज करने वाला, इन्वेंट खोजना किसी चीज को खोज नहीं सकता। साइंटिस्ट कुड नॉट मेक एनी डिस्कवरी, वैज्ञानिक किसी खोज को लेकर नहीं आ सकते, साइंटिस्ट कुड नॉट मेक एनी डिस्कवरी, किसी प्रकार की खोज नहीं कर सकते वो वैज्ञानिक। एंड द आर्टिस्ट कुड नॉट मेक ब्यूटिफुल थिंग, और कलाकार जो है सुंदर चीजें नहीं बना सकते, अगर हर जगह पे डर होगा तो, अगर व्यवस्था और सुरक्षा नहीं होगी तो ऑर्डर एंड सेफ्टी नहीं होगी। दस ऑर्डर एंड सेफ्टी मे नॉट बी देमसेल्फ सिविलाइजेशन, वैसे व्यवस्था और सुरक्षा अपने आप में सभ्यता तो नहीं है, या सिविलाइजेशन वुड बी इम्पोसिबल विदाउट देम, परंतु इनके बगैर सभ्यता जो है वो नामुमकिन है, इम्पोसिबल है। व्यवस्था और सुरक्षा, जिस भी देश में व्यवस्था और सुरक्षा नहीं है वहां पर आदमियों की जिंदगी जो है वो सुरक्षित नहीं है। दे आर एज इम्पोर्टेंट फॉर सिविलाइजेशन एज द एयर वी ब्रीथ इज टू अस, कि दोनों चीजें ऑर्डर एंड सेफ्टी इतनी ही महत्वपूर्ण हमारी सभ्यता के लिए है एज द एयर वी ब्रीथ इज टू अस, जिस प्रकार हवा जिसके अंदर हम सांस लेते हैं। सेकेंडली दूसरी बात है, मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज फ्रीड मैन फ्रॉम द फियर ऑफ पेन, आज की सभ्यता ने आदमी को मुक्त कर दिया है डर के डर से, दर्द के डर से, पेन, फियर ऑफ पेन, दर्द के डर से आदमी को मुक्त कर दिया है। ऑफकोर्स पीपल स्टिल फॉल इल, निसंदेह रूप से लोग बीमार गिरते हैं, बट दे आर इल मच लेस ओपन, परंतु अब बहुत कम बीमार पड़ते हैं। ऑल्सो इलनेस इज नो लॉन्गर एज पेनफुल एज इट यूज टू बी, बीमारी ये भी बात है कि बीमारी जो ज्यादा दर्द पूर्वक नहीं रही है जैसे पहले हुआ करती थी। इट इज टू, ये बात सच है, दैट टू बी हेल्दी इज नॉट टू बी सिविलाइज, की तंदुरुस्त होना, स्वस्थ होना कोई सभ्य होने की निशानी नहीं है। इवन सेवेजिस आर ऑफन हेल्दी, की जो जंगली असभ्य लोग थे वो भी तंदुरुस्त हुआ करते थे जो जंगलों में रहते थे। Yet without good health, परंतु बिना अच्छे स्वास्थ्य के man cannot enjoy anything, एक आदमी जो है किसी चीज का आनंद नहीं ले सकता और achieve anything, ना ही कोई चीज वो प्राप्त कर सकता है। It is also true, ये भी बात सच है, that many men did great thing, बहुत से आदमियों ने बढ़िया काम किए in spite of their bad health, कि अच्छा स्वास्थ्य होने न होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत काम किए, जैसे स्टेफन हॉकिंस का हमारे पास दुनिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, एक अपाहिज होते हुए भी इतनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने जिंदगी के अंदर किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी का अच्छा स्वास्थ्य नहीं है वो हैंडीकैप्ड है तो कुछ नहीं कर सकता, आज के समय में ये बात इंप्लीमेंट नहीं होती। अगर वो और अच्छे होते, अगर स्वास्थ्य, बट दे वुड हैव डन बेटर, अगर स्टेफन हॉकिंस अच्छे होते, If they had enjoyed good health, कि बहुत बढ़िया वो काम कर सकते थे अगर उनका स्वास्थ्य ठीक होता तो, और भी हमारे को बहुत कुछ देकर वो जा सकते थे। यही बात ये कहते हैं कि इट इज ऑल्सो ट्रू दैट मैनी मैन डिड ग्रेट थिंग्स इन स्पाइट ऑफ देयर बैड हेल्थ, की बहुत से आदमियों ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें की हैं कि अच्छे स्वास्थ्य न होने के बावजूद बहुत बढ़िया काम उन्होंने किए, बट दे वुड हैव डन बेटर इफ दे हैड एंजॉयड गुड हेल्थ, अगर अच्छा स्वास्थ्य होता तो और कुछ हमारे को दे सकते थे। टूडे मैन एंड वुमेन एंजॉयड बेटर हेल्थ, आज के समय में आदमी और औरतें अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, दे लिव लॉन्गर, लंबे समय तक रहते हैं, सो दे हैव ए मच बेटर चांस ऑफ ग्रोइंग अप एंड डेवलपिंग, तो उनके पास बहुत ज्यादा चांस है बढ़ने का, विकास और विकास करने का उनके पास ज्यादा चांसेस सभ्यता के अंदर है जहां पर ऑर्डर एंड सेफ्टी है, व्यवस्था और सुरक्षाएं हैं। थर्डली तीसरी बात है, और सिविलाइजेशन इज मोर सिक्योर, हमारी सभ्यता अधिक सुरक्षित है, सुनिश्चित है, देन एनी ऑफ द प्रीवियस सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यताओं की बजाय ये हमारी सभ्यता जो सिक्योर है, पूरी रूप से सुनिश्चित है, सुरक्षित है। प्रीवियस सिविलाइजेशन वर लिमिटेड, प्राचीन जो सभ्यताएं होती थी वो सीमित थी, लिमिटेड थी। देवर सराउंडेड बाई अनसिविलाइज्ड इन अनसिविलाइज्ड पीपल, देवर सराउंडेड बाई, वो घिरी हुई थी वो सारी की सारी सभ्यता असभ्य लोगों से, जंगली लोगों से वो घिरी हुई होती थी। दिस पीपल अगेन एंड अगेन अटैक देम, ये लोग जो बार बार उनके ऊपर आक्रमण कर देते थे, एंड डिस्ट्रॉयड देम, और उनको नष्ट कर देते थे। बट मॉडर्न सिविलाइजेशन इज फ्री फ्रॉम सच डेंजर, परंतु आज की सभ्यता जो है इस प्रकार के खतरों से मुक्त है। इट इज सो वाइड स्प्रेड, इतनी ज्यादा ये फैल चुकी है, दैट देयर आर हार्डली एनी सर्विस लेफ्ट हु कुड डिस्ट्रॉय देम, की मुश्किल से यहाँ पे कोई असभ्य आदमी बचा हुआ है जो इस चीज को खतरा हो नष्ट करने का। ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार द वर्ल्ड हैज बिकम ए सिंगल होल, ये सारी दुनिया जो एक इकाई बन चुकी है एक ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जो मैंने बात कही थी पहले ही। एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन अनदर कंट्री फॉर इट्स नीड, हर कोई देश जो है दूसरे देश के ऊपर निर्भर करता है अपनी आवश्यकताओं के लिए। द फूड दैट वी ईट, जो भोजन हम खाते हैं, कम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया से आता है वो। मैनी अदर थिंग्स वी यूज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री, बहुत सी चीजें जिनका हम प्रयोग करते हैं वो दूसरे देशों से इम्पोर्ट की हुई होती, मंगवाई हुई होती हैं। इन द सेम वे, इसी तरीके से फॉर मैनी थिंग, बहुत सी चीजों के लिए अदर कंट्रीज डिपेंड ऑन अस, की दूसरे देश हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। इन द पास्ट, प्राचीन जमाने में, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर इन सेपरेट प्लेसेस, की अलग अलग देश जो है दुनिया के वो अलग अलग स्थान पर थे।
दे वर सेट ऑफ फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे को जानते नहीं थे, वे एक दूसरे से ब्लॉक थे। ओनली वेन वन कंट्री अटैक्ट अनदर, जब कोई एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता था, दे केम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, तब वो एक दूसरे के संपर्क में आते थे। विद द इंक्रीज इन ट्रेवल, जैसे ही यातायात के साधन बढ़े, पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैव कम क्लोजर, अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे के नजदीक आए। इट इज टू ए बात सच है दैट सम कंट्रीज लाइक रशिया हैव रिमेंड शट टू द अदर कंट्रीज टिल रिसेंटली। रूस जैसे देश जो दूसरे देशों से अब तक रिसेंटली जब इलेक्शन लिखा गया हाल तक वो एक दूसरे से अलग रहते थे जैसे देश, या इनकी थ्योरी सोशलिज्म है यहाँ पर। यट देर इज नो डेंजर ऑफ एनी अननोन पीपल्स अटैकिंग और सिविलाइजेशन फ्रॉम आउटसाइड, फिर भी यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, कोई अनजान आदमी हमारी सभ्यता पे बाहर से कोई आक्रमण कर देगा एंड डिस्ट्रॉइंग इट और इसको नष्ट कर देगा। इफ देयर इज एनी डेंजर, अगर कोई खतरा है, इट कम्स फ्रॉम विद इन, तो हमारे अंदर से ही खतरा है। जिस प्रकार अभी जो खतरा चल रहा है कोरोना वायरस का, ये हमने हमारी देन है, ये हमारे सभ्य लोगों की तरफ से ये कोरोना वायरस फैला है, और यही जो खतरा है वो आदमी हमारी सभ्यता के अंदर से ही, बाहर से कोई खतरा नहीं है। The authors then talks about the defect of civilization. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अब तक तो बताई इन्होंने अच्छी बात है, ऑर्डर सेफ्टी। अब बात करेंगे हमारी सभ्यता में कमियां कितनी है, डिफेक्ट कितने हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स के अनुसार द ग्रेटेस्ट डिफेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सबसे बड़ी कमाई हमारी सभ्यता में ये है कि धन का असमान वितरण, कोई तो किसी को बेचारे को एक वक्त का रोटी नहीं मिलती, और कोई अरबोपति आदमी मतलब उसके पास यही नहीं पता कि मेरे पास वेल्थ धन कितना है। If you people live in comfort and luxury, कुछ लोग तो आराम और विलासिता में रहते हैं, but others haven't even enough to eat and drink and wear, और बहुत से लोगों के पास खाने को, पीने को और पहनने को कुछ नहीं है। Even in the best city of the world, यहाँ तो दुनिया के बढ़िया बढ़िया शहर, thousand people live in poverty, हजारों लोग गरीबी की अवस्था में रहते हैं। Sometimes a family of five or six person, कई बार एक परिवार पांच या छह लोगों का परिवार lives in a single room, एक ही कमरे में रहता है। धारावी अपने देश का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज के समय में जो हाईलाइट हुआ है, हिंदुस्तान का धारावी एक चित्र ऐसा है जिसमें एक कमरे में पांच पांच छह छह लोग रहते हैं। इन दिस रूम, इसी कमरे में देश लिए वो सोते हैं एंड ड्रेस कपड़े पहनते हैं, वास नहाते हैं, ईट खाते हैं, देर मील्स अपना खाना भी यहीं पे खाते हैं, नहाते हैं, धोते सब कुछ यहीं पे करते हैं। इन दिस रूम, इसी कमरे में दे आर बोर्न, उनका जन्म होता है, एंड इन दिस वेरी रूम दे डाई, और इसी कमरे में वो मर जाते हैं। दे लिव सो नॉट बिकॉज दे लाइक दिस, इस वजह से नहीं रहते कि उनको ये हालात पसंद है। On the other hand, दूसरी तरफ दे आर सो पुअर, इतने गरीब है दैट दे कैन नॉट अफोर्ड अनदर रूम, की दूसरा कमरा वो खरीद या प्रबंध नहीं कर सकते दूसरे कमरे का। वो जोर से जोर जी कहते हैं दैट अंटिल एवरीवन इन दिस वर्ल्ड गेट्स हिज प्रॉपर शेयर ऑफ नेसेसरी थिंग, जब तक सारी दुनिया के अंदर हर किसी आदमी को अपने हिस्से की आवश्यक चीजें नहीं मिलती है, आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी कॉल्ड परफेक्ट, हम अपनी सभ्यता को परिपूर्ण नहीं कह सकते हैं, हम अपनी सभ्यता को परफेक्ट नहीं कह सकते। Still greater danger comes from war. एक और सबसे बड़ा खतरा हमारे पास वो युद्धों से। Still greater danger, बड़ा खतरा comes from war, युद्धों से। इसलिए बात सच है that in many ways, बहुत से तरीके से, the world has become a single soul. ये दुनिया जो सारी की सारी एक इकाई बन चुकी है। The invention of the trains, the motor car, the steamship, and the aeroplanes has made the world very small. Invention, रेलों की खोज की वजह से, द इन्वेंशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की खोज की वजह से, मोटर कार की, स्टीम शिप जो समुद्री जहाज है वो, एरोप्लेन हवाई जहाज, हैज मेड द वर्ल्ड वेरी स्मॉल, इन चीजों की वजह से दुनिया एक छोटी सी इकाई बन चुकी है। डिस्टेंस मीन नथिंग टूडे, आज के समय में दूरी का कोई मतलब नहीं है। हम अगर ब्रेकफास्ट हिंदुस्तान में करते हैं तो लंच जाके हम दूसरे देश में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिनर करना है तो हम अमेरिका में भी डिनर जाके कर सकते हैं। बट द फियर ऑफ वार प्रिवेंट कंट्रीज फ्रॉम कमिंग क्लोजर, परंतु युद्ध के डर की वजह से, प्रिवेंट होता है रोकना, युद्ध का डर रोकता है देशों को आपस में एक दूसरे के नजदीक आने से। टुडे इफ ए वार स्टार्ट एनीवेयर, अगर आज के समय में कहीं लड़ाई छिड़ जाती है, इट इज लाइकली टू स्प्रेड एवरीवेयर, यह संभावना हर जगह फैल जाएगी। जिस प्रकार कोरोना वायरस ने सारी की सारी दुनिया को चपेट लिया, एक वुहान से ये स्टार्ट हुआ था, उसी तरीके से अगर कोई लड़ाई स्टार्ट होती तो सारी की सारी दुनिया जो है इसके चपेट में आ जाएगी, लाइकली टू स्प्रेड, हर जगह फैल जाएगी। The only way to prevent this destruction, एकमात्र तरीका रोकने का इस विनाश का, the League of Nations was set up. ये League of Nations, इसकी foundation हुई थी 10 जनवरी 1920 को, बट इसने काम करना बंद कर दिया था, ये 20 अप्रैल 1946 को बंद कर दी गई थी। 10 जनवरी 1920 को पहले विश्व युद्ध के बाद इसकी foundation की गई थी, बट इसको कुछ कारणों की वजह से बंद कर दिया गया था, और 20 अप्रैल 1946 तक इसने काम किया था। उसके बाद में UNO
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ उस 24 अक्टूबर 1945 को, वो काम कर रही है, बट जो पर्पस था वो हल नहीं हुआ है। इट्स पर्पस वाज टू प्रोवाइड ए काइंड ऑफ लॉ कोड ऑफ द नेशंस, परंतु इसका उद्देश्य था एक प्रकार की न्यायालय उपलब्ध कराना सभी राष्ट्रों को, जो देशों का झगड़ा है, जब आपस में पहले अपने झगड़ों का समाधान करने के लिए युद्ध कर लेते थे, अब जो हमारी ऑल वर्ल्ड्स की जो कोर्ट है उसके अंदर जा सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसको हम कहते हैं, हेग के अंदर है वो, कि वहां पे हम जा सकते हैं। नाइदर ऑर्गेनाइजेशन हैड मच सक्सेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, लीग ऑफ नेशंस को या यूएनओ को कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली है। द ओनली होप ऑफ द वर्ल्ड इन द फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन इट्स सक्सेस, एकमात्र आशा जो हम कर सकते हैं इसके ऊपर भविष्य में, कि यूएनओ जो है अपने कार्य में सफल हो। अनदर ग्रेट डिफेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, और एक कमी हमारी सभ्यता की है, इज दैट इट डज नॉट नो व्हाट टू डू विद द नॉलेज, ज्ञान इनके पास है बट ज्ञान के साथ क्या करना है वो नहीं जानते, सही तरीके से ज्ञान का प्रयोग सभ्यता के विकास के लिए नहीं कर रहे हैं लोग। साइंस हैज गिवन अस वास्ट पावर, विज्ञान ने हमें बहुत ताकत दी है, वास्ट बहुत ज्यादा पावर शक्ति दी है, बट वी यूज दिस पावर लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, परंतु हम इस ताकत का प्रयोग करते हैं छोटे बच्चों की तरह। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी डू नॉट नो हाउ टू यूज आवर मशीन, कि हम अपने मशीनों का प्रयोग करना ही नहीं जानते। मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट, मशीनों का प्रयोग किया गया था आदमियों के नौकर रहेंगे, ये नौकर के रूप में काम करेंगे जिस प्रकार रोबोट होते हैं, बट मैन हैज बिकम सो डिपेंडेंट ऑन देम, परंतु आदमी जो है इतना निर्भर उनके ऊपर हो गया है, दैट दे हैव बिकम हिज मास्टर, की वो मशीन जो है उसकी मालिक बन गई, उल्टा हो गया है। टूडे वी फाइंड इट डिफिकल्ट आइदर टू वर्क और प्ले विदाउट देम, आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है उनके बगैर काम करना या उनके बगैर खेलना। इनफैक्ट वास्तव में मशीन्स रूल अस ऑल टुगेदर, मशीनें हमारे ऊपर शासन कर रही हैं, जस्ट एज वी रूल द एनिमल, जिस प्रकार हम जानवरों के ऊपर शासन करते हैं उसी तरीके से मशीनें हमारे ऊपर शासन कर रही हैं। मशीन्स वर मेड टू सेव अस टाइम, मशीनें हमारे लिए बनाई गई थी समय बचाने के लिए, बट वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम लुकिंग आफ्टर मशीन, परंतु हम अधिकतर समय अपना मशीनों की देखभाल करने में ही लगा देते हैं, लुकिंग आफ्टर होता है देखभाल करना, और उनको अटेंड करते रहते हैं बस, और वी यूज आवर टाइम टू मेक मोर एट बेटर मशीन, या फिर हम काम करते रहते हैं और ज्यादा मशीनें या बढ़िया मशीनें बनाने के ऊपर हम काम करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, द मशीन्स देमसेल्फ आर नॉट सिविलाइजेशन, मशीनें अपने आप में सभ्यता नहीं है। There is nothing civilized in getting into a train. गाड़ी में चढ़ना, ट्रेन में चढ़ना कोई सभ्यता की निशानी नहीं है। Being civilized means making and liking beautiful things. सभ्य होने का मतलब है अच्छी चीजें बनाना और सुंदर चीजों को पसंद करना। It means thinking freely. इसका मतलब है स्वतंत्र तरीके से सोचना। It means living rightly. और इसका अर्थ है कि ठीक तरीके से रहना। Man today has more time. आज के समय में आदमी के पास बहुत टाइम है। He has more energy. उसके पास ताकत ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा है। He has less to fear. डर कोई है नहीं उसके पास। Man should use his time and energy for making more beautiful things. आदमी को इस समय का प्रयोग करना चाहिए, समय का और ऊर्जा का, ताकत का, for making more beautiful things, सुंदर चीज बनाने के लिए। He should use them for finding out more and more about this universe, the universe. He should use them. उसने इसका प्रयोग करना चाहिए for finding out, पता लगाने के लिए इस ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगाने के लिए उसके लिए उस टाइम को और उस एनर्जी को प्रयोग करना चाहिए। He should use them for removing the cause of quarrels between nations. उसका प्रयोग किया जाना चाहिए राष्ट्रों के बीच में, जो देशों के बीच में झगड़ा है उसको खत्म करने के लिए यूज किया जाना चाहिए। एंड he should use them for removing poverty. और सबसे बड़ा हमारे पास आज जो दुनिया सामना कर रही है, सबसे बड़ा गरीबी को हटाने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। A man does that, अगर आदमी ऐसा काम करता है, our civilization will be the greatest and the most lasting, हमारी सभ्यता सबसे महान और most lasting, अधिक last होता जारी रहना और अधिक समय तक चलने वाली होगी। ये lesson था CEM जोड़ का लिखा हुआ और civilizations का, मेरे को जो बहुत पसंद था इसी वजह से, काफी पुराने सिलेबस में है और पता लगा कि यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे BSc के अंदर डाला गया है, तो कोशिश की गई इसको ढूंढने की और डालने की, और बाकी lesson जो है वो भी डाले जाएंगे। अगर आपको डिटेल में स्टडी करनी है, अगर ये प्रॉब्लम्स है, तो उसको बिल्कुल डिटेल में डाल दिया जाएगा। टेक्स्ट बुक मेरे पास उपलब्ध हो गई है, उसके अंदर से हम डाल देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। स्टडी करने जा रहे हैं इसके अंदर BSc सेकंड सेम का लेसन है हरियाणा यूनिवर्सिटी के अंदर, बाकी बहुत जगह पे काफी कुछ सिलेबस के अंदर ये लेसन दिया गया है, हर स्टेट में अलग अलग जगह पे। हरियाणा के अंदर जो है BSc की सेकंड सेम के अंदर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन जाए जेवी
नार्लिकर का लिखा हुआ है, जयंत विष्णु नार्लिकर से। इसमें यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है, जैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि बच्चों के अंदर जो क्यूरियसिटी है उसको दबाया जाता है। यहाँ पे भी किस तरीके का, ये अपने दो तीन एग्जाम्पल बताएंगे कि एक बार मैंने एक अभियान चला था, मैं लेक्चर दे के बाद में बच्चों को कह देता, बच्चे ऑटोग्राफ लेने के लिए आते थे तो ये कह देता था कि भी आप पोस्ट कार्ड के थ्रू मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे, जो मैंने इसके अंदर पूछा है, जो बातें यहाँ पे लेक्चर में हुई है उससे संबंधित आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके ऊपर मैं साइन कर दूंगा, मेरे ऑटोग्राफ हो जाएंगे। बट टीचर्स ने उसका मिस यूज करना शुरू कर दिया था कि नार्लिकर क्वेश्चन के आंसर दे रहे उन्हीं से पूछ लो। एक एक क्लास से 50-50 बच्चों के सेम ही क्वेश्चन के पास जाते थे, तो अल्टीमेटली उन्होंने बंद करना पड़ा था। एक एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया अपना। दूसरी बात उन्होंने की रोट लर्निंग के ऊपर, मतलब अपना यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम एक बार, और मैंने काफी समय पहले एक माई एजुकेशनल आउटलुक आर के नारायण का लिखा हुआ एक लेसन था वो पढ़ा था, वो भी लगभग ऐसा ही सेम ही था कि हमारा जो शैक्षणिक तरीका है उसके ऊपर, और ये भी लगभग ऐसा ही रोट लर्निंग के ऊपर है कि हमारे यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है कि हम जो टीचर्स होते हैं बच्चों को याद केवल रट्टा लगवा देते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही वोमिट करना होता है, ऐसा कैसा लिखना होता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो जो बच्चा ऐसा कैसा लिखेगा उसको ज्यादा नंबर लिखेंगे। ये क्रिटिसाइज किया यहाँ पे इन्होंने, रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड बेस होनी चाहिए। और तीसरी बात ये कहेंगे कि इनको बच्चों को खुला छोड़ दिया जाए और ये अपने आप ही बहुत कुछ सीख लेंगे, इनको प्रोवाइड फैसिलिटी दे दें लाइब्रेरी की या नेट की और ये बहुत कुछ अपने आप सीख जाएंगे। इसके अंदर ही हमने ये पता लगेगा, एक अपने एग्जाम्पल देंगे जिसके लिए होयल नार्लिकर थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के नाम से फेमस है, फ्रेड होयल्स से ये, और इन्हीं के गाइडेंस में उन्होंने पीएचडी की थी और इन्हीं के साथ इन्होंने काम किया है, फ्रेड होयल के साथ। और इनको होयल नार्लिकर से थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म हुआ था 19 जुलाई को हुआ था, ये जुलाई टी आ गया इसमें, 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में, भारत की रहने वाले हैं, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं इनका क्वेश्चन, जो लेसन दिया गया है उसके अंदर हम चर्चा करेंगे डिटेल में काफी सारी। इन दिस ऐसे के अंदर जयंत विष्णु नार्लिकर, ए फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर, सेज दैट आवर स्कूल एंड कॉलेज कोर्सेज, आवर टीचर्स एंड देयर मेथड ऑफ टीचिंग डू नॉट एनकरेज क्यूरियोसिटी अमंग स्टूडेंट। की ये कह रहे हैं कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक हमारे देश के, कहते हैं भारत के स्कूल और कॉलेज के अंदर, आवर टीचर्स एंड देयर मेथड, हमारे अध्यापक और उनके जो पढ़ाने के तरीके हैं टीचिंग के, डू नॉट एनकरेज क्यूरियसिटी अमंग स्टूडेंट, क्यूरियसिटी होता है जिज्ञासा, बच्चों के अंदर कोई भी जिज्ञासा नहीं बढ़ाते हैं वो, जो मोटिवेट नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देयर स्टिफ देयर दे स्टाइफल्स देयर क्यूरियसिटी, स्टाइफल होता है दबाना, देयर क्यूरियसिटी उनकी जिज्ञासा को दबा देते हैं। दूसरी तरफ मतलब टीचर्स बढ़ाते नहीं है बल्कि उनकी जिज्ञासा को दबाती हैं वो। ही रिकाउंट्स होता है याद करना, एंड इंसिडेंट मेंशन से इन इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाई फ्रेड होयल्स हु वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक रिकाउंट वो याद करते हैं घटना का, मेंशन इन हिज ऑटोबायोग्राफी, जो ही जाएगा यहाँ पे अपनी जो आत्मकथा में इन्होंने कही है, बाई फ्रेड होयल्स ने आत्मकथा में कही है हु वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे फ्रेड होयल, जिनके गाइडेंस में उन्होंने पीएचडी की थी, उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी का एक भाषा का एक मेंशन करेंगे, थोड़ा सा जिक्र होगा यहाँ पे एक बात का। वन डे हिज टीचर, ये फ्रेड होयल की बात है, एक दिन उसके अध्यापक ने टोल्ड द क्लास को बताया दैट ए सर्टेन टाइप ऑफ फ्लावर्स हैज 5 पेटल्स, कि कोई भी फूल हम लें उसकी 5 पंखड़ी होती है। होयल वाज क्यूरियस टू नो, वांटेड टू चेक दिस फैक्ट, ह्यूरे होयल जो है वांटेड वाज क्यूरियस, वो जिज्ञासु था, वांटेड टू चेक दिस फैक्ट, इस सच्चाई को जांचना चाहता था जो अध्यापक ने कही है कि 5 पेटल्स होती हैं कि नहीं होती हैं। ये केम अक्रॉस होता है मिल जाना, फ्लावर्स एक फूल उन्हें मिल गया दैट इज 6 पेटल, जिसके ऊपर 6 थी, अगर 5 4 तो हो जाती कह देंगे टूट गई है, बट कह रहे कि वो 6 थी उसके ऊपर। ही ब्रोट दैट फ्लावर्स टू द कोई टीचर्स के पास, उसको ले आया वो उस फूल को। ही आस्क द टीचर वेदर द रूल ऑफ 5 पेटल्स वाज रॉन्ग, कि उसने अध्यापक से पूछा कि अपना नियम जो था 5 पंखड़ियों का फिर वो गलत है यहाँ पे। द टीचर डिड नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, और अध्यापक जो इस प्रकार के प्रश्न करने का इच्छुक नहीं था तो उसको ये बात पसंद नहीं आई। इंस्टेड ऑफ सेटिस्फाइंग द चाइल्ड क्यूरियसिटी, बच्चे की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के बजाय ही पुनिश टीम, उसने उसको पीट दिया। होयल डिड नॉट लाइक दिस एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स, का ये दृष्टिकोण होयल को, फ्रेड होयल को पसंद नहीं आया। ही कन्विंस्ड हिज मदर, अपनी माँ पे दबाव डाला, चेंज हिज स्कूल, मेरा स्कूल बदलो, मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ, तो अल्टीमेटली इनके पेरेंट्स ने उसको स्कूल को चेंज कर दिया था।
The writer says that their curiosity of student is suppressed in Indian school. Suppressed होता है दबाना, और curiosity की हम बार बार चर्चा कर ही रहे हैं, जिज्ञासा, भारतीय स्कूलों के अंदर बच्चों की जिज्ञासा को दबाया जाता है. Children are increased to memorize the text. बच्चों को प्रेरित किया जाता है रट्टा लगाने के, memorize करने के लिए. The text, जो भी बताया गया उसको रट्टा लगाओ. As well as the answer to the question, regardless of whether they understand the subject matter or not. As well as the answer, कि उनको प्रश्न के उत्तर देने हैं, regardless of whether they, भाई इसका ध्यान नहीं रखना है कि तुम्हारी समझ में आया है कि नहीं आया, सब्जेक्ट मैटर तुम्हारी समझ में आता है नहीं आता, कोई मतलब नहीं है. रट्टा लगा के और उनका आंसर देना बिल्कुल ठीक. हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यही एक तरीका है जो टीचर्स अडोप्ट करते हैं कि बच्चों रट्टा लगाओ और अच्छे नंबर लो, बस और कोई तरीका हमारे पास टीचर्स के पास नहीं है. द राइटर वंस इंट्रोड्यूस ए नोवल स्कीम. इसने राइटर जो हमारे नार्लिकर जी हैं, इन्होंने एक बार नया तरीका खोजने की कोशिश की टू इंक्रीज चिल्ड्रन क्यूरियसिटी, ताकि बच्चों की जिज्ञासा को प्रेरणा मिले, थोड़ी प्रेरित हो, उत्साहित हो, वो थोड़ा इंक्रीज हो. ही फाउंड दैट एट द एंड ऑफ हिज पब्लिक लेक्चर, उसने पाया जब लेक्चर्स को कोई भी सार्वजनिक भाषण देता था उसके अंत में, देयर वर चिल्ड्रन हु शोट हिज ऑटोग्राफ, कि बहुत बच्चे थे उसके पास ऑटोग्राफ लेने के लिए आते थे उसके पास. He announced that a child could get his autograph by sending a postcard with a question relating to what he had talked about in his lecture. उसने घोषणा कर दी वहीं पे कि बच्चे, कोई भी बच्चा जो मेरा ऑटोग्राफ लेना चाहता है, मुझे एक पोस्टकार्ड पे क्वेश्चन लिख दे, एक जो इस लेक्चर से, जो मैंने बात की है इस लेक्चर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप मेरे पास भेज दे. और द राइटर रिप्लाइज टू दैट वुड कैरी हिज सिग्नेचर आल्सो, और जो नार्लिकर जी हैं उसका उत्तर देंगे और उसके ऊपर उसके सिग्नेचर भी होंगे, तो साइन हो जाएंगे, हस्ताक्षर हो जाएंगे, तो ऑटोग्राफ हो जाएगा. द सिस्टम वर्क रीजनेबल वेल फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए कह रहे हैं ये तारक पूर्वक तरीके से कुछ दिन तो सही चला था. इन दैट केस, उस मामले में, दोज हु रोट टू हिम, जो मुझे लिखते थे, जिन्होंने मुझे लिखा, वर सीरियस अबाउट द सब्जेक्ट, वो गंभीर थे उस विषय के बारे में जो मैं भाषण देता था उसके बारे में, जो बच्चों ने लिखा वो सीरियस थे उस मैटर में. द राइटर वॉज हैप्पी टू स्पेंड टाइम्स रिप्लाइंग टू देयर क्वेश्चन, और लेखक भी नार्लिकर जी बड़े खुश होते थे, अपना समय व्यतीत करते थे उन प्रश्नों के उत्तर देने में बच्चों के. वंस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मुंबई की लेटर पब्लिश्ड ए बुकलेट ऑफ दीज क्वेश्चंस आंसर्स अंडर द टाइटल साइंस थ्रू पोस्टकार्ड. एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ जिसको हम कहते हैं, मुंबई बेस्ड थी वो, बाद में उसने एक बुकलेट, एक किताब प्रकाशित की थी उन सारे के सारे प्रश्नों की जो बच्चों ने उनसे पूछे थे और उसने उन्होंने उत्तर दिए थे, उसका नाम था साइंस थ्रो पोस्ट कार्ड. बट द स्कीम वॉज मिस यूज, परंतु ये जो स्कीम इन्होंने नार्लिकर जी ने चलाई थी उसका गलत प्रयोग कर दिया इंडियन टीचर्स ने. द राइटर्स इंटेंशन वॉज टू इंक्रीज क्यूरियसिटी अमंग चिल्ड्रन, लेखक की तो इच्छा, इंटेंशन ये थी, इच्छा उसकी, कि बच्चों के अंदर क्यूरियसिटी को बढ़ाया जाए, उत्साहित किया जाए अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के मध्य में. सम स्कूल टीचर्स बिगेन डिक्टेटिंग क्वेश्चन टू देयर क्लास, तो कुछ टीचर्स ने मिस यूज करना शुरू कर दिया, बच्चों को पर्सन लिखवाने शुरू कर दिए, डिक्टेट करने शुरू कर दिए, बोल देते थे वो डिक्टेट करना. Then some students started sending routine textbook question. कुछ बच्चों ने तो routine में textbook के ही प्रश्न पूछने शुरू कर दिए उनसे, which their teachers should have answered. जिन प्रश्नों का उत्तर उनके अध्यापक को देना चाहिए था, टीचर्स भी कह देते थे नार्लिकर जी दे रहे हैं उन्हीं से पूछ लो, तो ये गलत तरीका था इनका. So the writers had to discontinue the scheme. तो लेखक को, नार्लिकर जी को वो प्रोग्राम जो था वो अपना बंद करना पड़ा. The writer says that our school syllabus methods. सैलाबिस के, हमारे जो राइटर कहते हैं कि हमारे स्कूल के जो पाठ्यक्रम है, सैलाबिस मेथड्स, हमारे पढ़ाने के तरीके, एंड एग्जामिनेशन इंक्रीज रोट लर्निंग, और हमारी परीक्षा प्रणाली जो है वो ये रोट लर्निंग को ही बढ़ावा देती है, प्रेरित करती है. रोट लर्निंग में रट्टे लगाना, क्रैम करना, किसी को मगिंग अप करना कह लें. रोट लर्निंग मीन्स मेमोराइजिंग द टेक्स्ट एंड देयर आंसर विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम. रोट लर्निंग का अर्थ होता है मेमोराइजिंग द टेक्स्ट, जो भी विषय वस्तु हमारे को दी है उसको मेमोराइज मीन्स रट्टा लगा लेना, एंड देयर आंसर विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम, और उनका उत्तर एज इट इज लिख देना बिना कोई समझे. ये यहाँ पे एग्जाम्पल भी देंगे शायद टेक्स्ट बुक में, कि मैंने एक फॉर्म की चर्चा की थी, पर अध्यापक ने कहा कि ये तो ठीक है, मैं समझता हूँ आपकी भावना को, मैं आपको पूरे नंबर दे रहा हूँ, बट आप जो ना ये एग्जामिनेशन में नहीं लिख देना, क्योंकि हो सकता है कि वो टीचर इस बात को ना समझे. द टीचर डिस्करेज द स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस दैट आर नॉट इन द सिलेबस. द टीचर डिस्करेज द स्टूडेंट, की अध्यापक जो है डिस्करेज, हतोत्साहित करते हैं बच्चों को कि टू आस्क क्वेश्चन, वो पर्सन पूछने से जो उनके सिलेबस में ही नहीं है.
देयर से मे बी मेनी रीजन फॉर दिस, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, सारा कसूर टीचर्स का भी नहीं है, द टीचर्स मे नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू आंसर द क्वेश्चन, हो सकता है अध्यापक के अंदर विश्वास ना हो पर्सन का उत्तर देने में, समटाइम द क्लास इज सो बिग, कई बार क्लास इतनी बड़ी होती है दैट द टीचर कैन नॉट पे अटेंशन टू ई स्टूडेंट, की अध्यापक जो है इंडिविजुअल बच्चे को, प्रत्येक बच्चे तक ध्यान नहीं दे पाता है, मोर ओवर द सिलेबस इज सो लेंथी, और अधिक बात है कि सिलेबस इतना बड़ा होता है दैट द टीचर हैज शॉर्टेज ऑफ टाइम इवन फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस, यहाँ तक अध्यापक के बाद इतना समय नहीं होता है कि उस सिलेबस को ही अपना कंप्लीट कर पाए, पूर्ण कर पाए, बट टू से ऑफ सेटिस्फाइंग द क्यूरियसिटी ऑफ स्टूडेंट एंड रिप्लाइंग टू देयर क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने की एंड रिप्लाइंग टू देयर क्वेश्चन के प्रश्नों के उत्तर देने की, तो फिर हम बात नहीं कर सकते। द एडवांटेज ऑफ रोट लर्निंग इज दैट इट इंक्रीज ओरल लर्निंग, इसका फायदा रोट लर्निंग का, रटे लगाने का एक फायदा है कि ये बढ़ाती है ओरल लर्निंग, मौखिक रूप से याद करने की चीजों को बढ़ावा देती है, ओरल मीन्स मौखिक रूप से, बट दिस इज नथिंग एज कंपेयर्ड टू द बिग डिसएडवांटेज दैट इट हैज, परंतु ये इस तुलना में कुछ नहीं कि रोट लर्निंग के नुकसान हानियां ज्यादा है, फायदे नहीं है, ये एक ओरल लर्निंग का कोई भी मुद्दा यहाँ पे स्टैंड नहीं करता है। फिर रोट लर्निंग फ्रीज इज नॉलेज, रोट लर्निंग से रट्टा लगाने से जो है हमारा ज्ञान जो है फ्रीज हो जाता है, एक जगह पे जम जाता है, देर इज नो एवोल्यूशन ऑफ नॉलेज, कोई विकास हमारे ज्ञान का नहीं हो पाता है, विकास होना डिवेल्प होता है, इट इंक्रीज क्यूरियसिटी एंड ओरिजिनलिटी, इट डिस्करेज, ये हतोत्साहित करता है क्यूरियसिटी जिज्ञासा को एंड ओरिजिनलिटी और वास्तविक चीजों को, ये हतोत्साहित करता है, एनकरेज नहीं करता, डिस्करेज करता है। The writer find that our education system increase rote learning, लेकिन ने पाया कि हमारा जो education system है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, वो बढ़ावा देती है rote learning को, रट्टा लगाने को बढ़ावा देती है। The major cause of rote learning is a shortage of time, सबसे बड़ा कारण है rote learning का, रट्टा लगाने का, हमारे पास समय की कमी होती है। Our syllabus are overloaded, कि हमारा जो पाठ्यक्रम है syllabus are overloaded, बहुत ज्यादा बड़ा है, विद सब्जेक्ट मैटर ज्यादा है विषय वस्तु उसके अंदर, द टीचर फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट द कोर्सेज विद इन टाइम, कि अध्यापक के लिए मुश्किल होता है कि कोर्स जो जो समय उनको दिया जाता है उसके अंदर उस कोर्स को कंप्लीट करवाना मुश्किल हो जाता है। द क्लासेज आर बिग, यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें क्लासेज भी बहुत बड़ी होती हैं, टीचर कैन नॉट गिव टाइम्स टू इंडिविजुअल स्टूडेंट, प्रत्येक व्यक्तिगत बच्चे को ध्यान नहीं दे सकता है अध्यापक। Apart from that, इससे अलग भी हम बात करें, there are outside interruptions like bond and holiday, बाहरी भी हस्तक्षेप, interruptions होता है हस्तक्षेप, बाहरी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे बंद holiday छुट्टियां, जैसे आजकल बंद कोरोना की वजह से चला है, तो इस holiday छुट्टियां आ जाती हैं, तो ये काफी सारी समस्याएं आती हैं। So teacher don't have times to answer pupils questions, तो टीचर के पास भी समय नहीं होता है बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देने का, और टू इंक्रीज ए न्यू लाइन ऑफ थिंकिंग, या फिर एक नई तरीके से सीखने के लिए वो प्रेरित करे, वो भी तरीका है, उनके पास टाइम नहीं होता है। द राइटर से लेकर कहता है दैट कॉन्क्रीट स्टेप शुड बी टेकन, कि कठोर, कॉन्क्रीट होता है कठोर, कदम उठाए जाने चाहिए टू डिस्क्रीज रोट लर्निंग को हतोत्साहित करने के लिए, रोट लर्निंग में रट्टा लगाने का काम जो है वो कम से कम मतलब हतोत्साहित डिस्क्रेज करना चाहिए। देयर शुड बी मोर स्कूल, ज्यादा से ज्यादा स्कूल होने चाहिए, द क्लासेस शुड बी स्मॉलर, छोटी छोटी क्लासे होनी चाहिए, कक्षाएं, द अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन ए सिलेबस शुड नॉट बी हैवी, जो सब्जेक्ट मैटर है हमें ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, ना टीचर के ऊपर ज्यादा वजन होना चाहिए ना ही बच्चों के ऊपर, द सिलेबस शुड बी फ्रेम्ड इन सच ए वे, कि सिलेबस मीन्स पाठ्यक्रम जो इस तरीके से बनाना चाहिए, फ्रेम करना चाहिए, दैट दिस इम्फेसिस कम्प्रिहेंशन रादर देन क्रैमिंग ऑफ आंसर्स, इम्फेसिस होता है जोर डालना, इम्फेसाइज कि इसके जोर डालना चाहिए, कम्प्रिहेंशन होता है विस्तार से समझने में, अंडरस्टैंड करने में, रैदर देन क्रैमिंग ऑफ आंसर, उत्तरों के रट्टा लगाने के बजाय उसके ऊपर ज्यादा तरीके से समझने के ऊपर जोर डालना चाहिए, इस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो और क्रैम लर्निंग ना हो, रट्टे ना लगाने हो। द राइटर सेज, लेखक कहते हैं हमारे नार्लेकर जी, दैट चिल्ड्रन शुड बी इंक्रीज, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए हमें, शुड बी इंक्रीज टू बी सेल्फ रिलियंट, होता आत्मनिर्भर हो जाए वो, इन द मैटर ऑफ देयर क्यूरियसिटी, कि अपनी जिज्ञासा के मामले में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अध्यापक को उन्हें प्रेरित करना चाहिए, दे शुड बी इंक्रीज टू फाइंड द आंसर टू देयर क्वेश्चन देमसेल्फ, उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ढूंढे, वे स्वयं ढूंढे, इन ए गेम ऑफ हाइड एंड सीक, जिस प्रकार एक लुका छिप्पी का खेल होता है हाइड एंड सीक का, फाइंडिंग द हिडन पर्सन गिव्स अस प्लेजर, कि जो आदमी छुपा हुआ है उसको अगर हम ढूंढ लेते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, उसमें खुशी मिलती है,
इन द सेम वे इसी तरीके से फाइंडिंग द आंसर टू आवर क्वेश्चन से कि अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में गिव अस अ लॉट ऑफ प्लेजर के हमें बहुत सी खुशी मिलती है. फॉर दिस पर्पज इस उद्देश्य के लिए द स्कूल मस्ट हैव अ गुड डाटा बेस लाइक इनसाइक्लोपीडिया ऑफ विश्वकोश. क्या स्कूल के पास इस प्रकार के आंकड़ों संबंधी सारी चीजें होनी चाहिए. हर प्रकार की बुक्स स्कूल के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए. हु बुक्स विच बुक्स एंड बुक स्पेशली रिटन विद आंसर. किताबें जिसमें आंसर लिखे हों इस प्रकार के अरेंज होने चाहिए. टू फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो बार बार जो जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार की किताबें वहां पे उपलब्ध होनी चाहिए. स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू रीड सच बुक्स. बच्चों को प्रेरित करना चाहिए एनकरेज करना चाहिए टू रीड सच बुक्स इस प्रकार की किताबें पढ़ने के लिए. एंड लोकेट होता है ढूंढना द आंसर टू देयर क्वेश्चन देमसेल्फ के अपने प्रश्नों के आंसर खुद ही ढूंढ सके ताकि उनको प्रेरित करें. द इंटरनेट इज ग्रोइंग इन इट्स कवरेज एंड इज बिकमिंग चीपर. इंटरनेट जो बहुत ज्यादा चीजों को कवर कर रहा है और बिकमिंग चीपर सस्ता भी होता जा रहा है. सो द कंप्यूटर कैन बी वैल्यूएबल टूल्स. तो एक कंप्यूटर भी एक बहुमूल्य यंत्र हो सकता है टूल हो सकता है. इन द क्वेस्ट होता है खोज ऑफ नॉलेज ज्ञान को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर भी एक बहुत बढ़िया काम कर सकता है. द स्कूल शुड हैव स्पेशल पीरियड फॉर सच एक्टिविटीज. स्कूलों के अंदर जो इस प्रकार की गतिविधियों के लिए स्पेशल पीरियड विशेष पीरियड लगा देना चाहिए. देयर आर पीरियड फॉर गेम्स एंड फिजिकल ट्रेनिंग. जिस प्रकार यहाँ पे पीटी लिखा मिलेगा फिजिकल ट्रेनिंग के लिए खेलों के अलग से पीरियड होता है तो इस प्रकार का पीरियड भी एक इंटरनेट का लगा दिया जाए कंप्यूटर पे काम कर सके. द स्टूडेंट्स शुड बी लेट लूज इन द लाइब्रेरी. की बच्चों को लाइब्रेरी के अंदर खुला छोड़ देना चाहिए टू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन. अपने प्रश्नों के उत्तर जो खुद ढूंढ लें एंड टू सेटिस्फाई देयर क्यूरियसिटी और अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट कर लें. ये बातें कही हैं नार्लेकर जी ने. अल्टीमेटली उन्होंने निष्कर्ष हमें निकाल देते हैं कि बच्चों को कभी भी रोट लर्निंग नहीं करनी चाहिए. मगिंग अपरट्टा लगा के एक परीक्षा को हम पास कर सकते हैं परंतु जिंदगी की हर परीक्षाएं जो है रोट लर्निंग से कभी भी पास नहीं की जा सकती है. कि हर प्रकार की चीजों से हमें निकलना चाहिए. कोई भी चीज उसको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव करके मतलब पूरा निष्कर्ष निकाल के अंडरस्टैंड करके और तब हमें बात करनी चाहिए. और टीचर्स को भी अपनी जो मेथड्स हैं वो थोड़े चाहिए. मैं कई बार मैंने अपनी वीडियो में टीचर्स के लिए भी थोड़ा अपना मोटिवेशनल स्पीच दिया कि टीचर्स को भी चाहिए कि वो रोट लर्निंग को प्रेरित ना करें और जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं उनको रिव्यूक ना करें. उसके क्यूरियसिटी जो बच्चों की वहीं पे दब जाती है. अगर हम बच्चों को डांट फटकार लगा देते हैं कि आपके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है भले ही अध्यापक को किसी की हेल्प लेके वो पर्सन के उत्तर देने पड़े बच्चों के पर्सन के उत्तर जो है उनकी जो क्यूरियसिटी है उसको सप्रेस्ड नहीं करना चाहिए. अध्यापक का भी ये काम है और रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. आजकल बहुत बढ़िया सिस्टम आए हुए हैं अपने पास इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं. मिस यूज ना करें उसका सही तरीके से प्रयोग करें. हमारे को सब कुछ मिल जाता है सारी चीजें अवेलेबल है. कुछ भी ढूंढे हम ऑल ओवर वर्ल्ड में सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध है. बट एक बार आर के नारायण जी ने भी माई एजुकेशन आउटलुक में इस प्रकार की चीजों में बहुत ही बढ़िया चीज उन्होंने लिखी थी. कभी पढ़ने का मौका मिला था अगर बुक मिलती है तो कभी वो मैं उसको जरूर उस लेसन को भी मैं डालूंगा. ये नार्लेकर जी की तरह ही बल्कि इससे भी बढ़िया उन्होंने बहुत कुछ उसमें बताया था कि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत पुराना है कैक्सटोन के जमाने का है. कैक्सटोन के जमाने में हैंड रिटन बुक्स नहीं होती थी. कह रहे कि उस तरीके का आप तो रट्टा लगाने पे जोर डालते हैं और बच्चा जो है ना ऐसा कैसा वोमिट कर देता है जो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसी कैसी उल्टी कर देता है लिख देता है वो बेस्ट क्लास स्टूडेंट होता है. और ऐसा है भी आज भी हमारे देश में हर स्टेट के अंदर ऐसा है. जो बच्चा रट्टा लगा के एज इट इज लिख देता है उसको बेस्ट क्लास स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाता है. और अंडरस्टैंडिंग बेस पे जो बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं. बट जिंदगी की दौड़ में अंडरस्टैंडिंग बच्चे ही जो अंडरस्टैंडिंग करने वाले बच्चे हैं लास्ट रेस में वही जीतते हैं. इसलिए रोट लर्निंग को बढ़ावा ना दे अंडरस्टैंड करें उस चीज को. थैंक यू स्टूडेंट्स. आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो थर्ड टॉपिक है थर्ड लेसन है. 6-7 लेसन ही होंगे ज्यादा से ज्यादा. तो उसके दो लेसन पहले डाले जा चुके हैं थर्ड लेसन है ये. किसी वजह से मैं नहीं डाल पाया था तो बच्चों के काफी सारे कमेंट आए हुए हैं तो उसके ऊपर डाल देते हैं थर्ड लेसन जो है. पहले मैं थोड़ी सी इसके बारे में बता देता हूँ समरी क्या है ये. यानी इंटरव्यू विद क्रिश्चियन बर्नार्ड्स एन रा. ये नरसिम्हन राम है. ये हिंदू जो सारा का सारा समूह है ग्रुप ऑफ हिंदू अखबार वगैरह उनकी मैगजीन भी हैं उन सबके ये संपादक रहे हैं. और इन्होंने क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है ये पहले क्रिश्चियन बर्नार्ड की बात कर लेते हैं. साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं. ये इंग्लिश मैन है. इन्होंने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था. क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है इनका जन्म जो हुआ था वो 8 नवंबर 1922 को हुआ था और ये 2 सितंबर 2001 को एक्सपायर हो गए थे.
बाई चांस इनको इंडिया में आने का मौका मिला था, 1997 में इन्होंने इंडिया की विजिट की थी, तो उस समय में ये एन राम जो हैं इन्होंने इसका इंटरव्यू लिया था, और इंटरव्यू के अंदर क्या क्या बातें हुई थी, ये कुछ चीजें यहाँ पर एन ये नरसिम्हन राम जो हैं अपने देश के, इन्होंने इस बात के यहाँ पे हाईलाइट किया है उन चीजों को। और ये जो फेमस हुए थे क्रिश्चियन बेनार्ड, ये हार्ट ट्रांसप्लांट के हुए, हार्ट ट्रांसप्लांट का मतलब हृदय प्रत्यारोपण जिसको कहते हैं, कि एक आदमी का दिल दूसरे आदमी के दिल के अंदर फिट कर देना, उसके लिए फिर इवन जो है डबल हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया इन्होंने। पहला जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था वो 3 दिसंबर 1967 को किया था, दूसरा उन्होंने डबल हार्ट ट्रांसप्लांट किया था 25 नवंबर 1974 को किया था। मतलब बहुत ज्यादा ये फेमस रहे हैं, कार्डियक डिजीज को देखते थे, मीन्स हृदय की जो दिल संबंधी बीमारी है उनका इलाज किया इन्होंने। और यहाँ तक तो इन्होंने बाद में कन्फेस भी किया बात की बच्चों में जो हार्ट प्रॉब्लम्स थी उनमें बहुत इंटरेस्ट इन्होंने लिया है। और इन्होंने एपरथाइट जो थी वहां पे रंगभेद की नीति, हम सभी वाकिफ है रंगभेद की नीति से, जो दक्षिण अफ्रीका को बहुत दिनों तक भुगतनी भी पड़ी जिसकी बीमारी को, और इन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर उनकी अपनी ही सरकार के खिलाफ भाषण दिया था, ये अगेंस्ट में थे, उसके जो रंगभेद की नीति थी एपरथाइट्स उसके अगेंस्ट थे ये। एक बार इन्होंने अपने अनुभव भी बताए हैं कि इनकी दुनिया में क्या क्या आलोचनाएं हुई, एक बार डालास के अंदर मेरे को जाना पड़ा, एक मेरा दोस्त मेरे साथ था, वो सीरिया से बिलोंग करता था, जैसे ही ये होटल के अंदर रेस्टोरेंट में पहुंचे तो वहां पे इन्होंने अपनी सूटकेस वगैरह रख दी है और रूम वगैरह की तरफ जाने को तैयार हुए, तो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप कहाँ से। इवन जो पोर्टर था वो जो सूटकेस उठा के ले जा रहा था, जब उसने ये पता लगा कि ये दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करती है, उन्होंने इसका सूटकेस रख दिया था कि मैं एक दक्षिण अफ्रीकन के सूटकेस को ले जा नहीं सकता। तो ये जो डॉक्टर्स हैं और इन्होंने जो स्पीच दी थी अपनी रंग भेद की नीति के खिलाफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर, उसके बाद इन्होंने बताया कि मेरे जो है अटेम्प्ट भी किया गया था, एक बार मेरे को मारने की कोशिश भी की गई थी, और एक कार का एक्सीडेंट इनका सीधा कर दिया था जब ये रेस्टोरेंट से आ रहे थे ये और इसकी मिसिज, और एक ब्लैक पर्सन का जो है वो नाम ले लिया था कि इसने अटैक किया आपके ऊपर, जबकि बाद में कोर्ट में जाके ये प्रूव हो गया था कि वो ब्लैक पर्सन नियर बाई भी कहीं नहीं था। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सारी बातें जो इनके अनुभव हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड के वो यहाँ पे शेयर किए हैं। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी समरी इसके बारे में, काफी कुछ मैंने बताया दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं उसके अंदर मिलेगा आप लोगों को। क्रिश्चियन बर्नार्ड इज साउथ अफ्रीकन सर्जन, ये पहले पहले बताया कि दक्षिण अफ्रीका की डॉक्टर थे, सर्जन होता है जो ऑपरेशन करते हैं। ही परफॉर्म द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट इन दिसंबर 1967 में, इन्होंने पहला हृदयारोपण दिल का हृदयारोपण किया था, हृदयारोपण जिसको कहते हैं। दैट अचीवमेंट मेड हिम ए सेलिब्रिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस उपलब्धि की वजह से सारी दुनिया में इनका सम्मान किया गया था, सेलिब्रिटी बन गए थे ये। डॉक्टर बर्नार्ड से डॉक्टर बर्नार्ड कहते हैं दैट द ह्यूमन ट्रांसप्लांट वाज नॉट एन आइसोलेट अफेयर, की कोई अलग मामला नहीं था ये ह्यूमन ट्रांसप्लांट का, मतलब हृदयारोपण प्रत्यारोपण का कोई अलग मामला नहीं था। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स बाई हिम, ये तो एक डॉक्टर बर्नार्ड से डॉक्टर बर्नार्ड कहते हैं दैट द ह्यूमन ट्रांसप्लांट, मानव का जो दिल का प्रत्यारोपण है, वॉज नॉट एन आइसोलेटेड, अलग होता है वह अकेली कहने कि यही कोई अफेयर होता मामला, कोई अकेली घटना नहीं थी, अलग से कोई घटना नहीं थी। इट वॉज द रिजल्ट, ये एक परिणाम था ऑफ एफर्ट्स, उन प्रयासों का बाय हिम जो उसके द्वारा किए गए थे, एंड हिज डेडिकेटेड टीम, और उसकी जो समर्पित डेडिकेटेड होता समर्पित जो टीम थी ऑफ डॉक्टर्स की फॉर ए नंबर ऑफ ईयर, जो काफी वर्षों तक अपने प्रयासों में लगे रहे थे। They had been involved in open heart surgery at their hospital for 9 years. 9 वर्षों तक उन्होंने open heart surgery मतलब दिल का ऑपरेशन जो खुले तरीके से उन्होंने किया था। They started in 1958 में उन्होंने काम शुरू किया था open heart surgery का, दिल को खोल के पूरा का पूरा उसके सर्जरी करना, मतलब पूरा ओपन करके और फिर उसकी सर्जरी करना, ये काम इन्होंने कर दिया था 1958 में शुरू। यूजिंग द हार्ट लंग मशीन का प्रयोग करके टू डू मेजर ऑपरेशन, बड़े बड़े ऑपरेशन इन्होंने किए थे इन साइड द हार्ट, दिल के अंदर ही। द हार्ट ट्रांसप्लांट वॉज ओनली प्रोग्रेशन, ये हार्ट ट्रांसप्लांट जो है केवल एक प्रोग्रेस मतलब थोड़ी तरक्की थी ऑफ देयर एबिलिटी, इनकी योग्यता में आगे बढ़े थे। टू टैकल मेजर हार्ट ऑपरेशन, की बड़े जो दिल के ऑपरेशन करने थे उनका सामना करने के लिए, टैकल होता सामना करना। इन द 1960 में दे रियलाइज, उन्हें एहसास हुआ दैट देयर वर सर्टेन पेशेंट हुज हार्ट वर बियॉन्ड रिपेयर, की 1960 के अंदर उन्हें एहसास हुआ कि कुछ मरीज ऐसे थे जिनके दिल को हार्ट को रिपेयर नहीं किया जा सकता था, मतलब उसको ठीक नहीं किया जा सकता था।
दे कुड बी हेल्प ओनली बाय रिमूविंग देयर हार्ट, केवल उनकी सहायता की जा सकती थी कि उनके दिल को वहां से हटा दिया जाए, हृदय को, एंड पुटिंग ए न्यू हार्ट और उसकी जगह पर नया हार्ट लगा दिया जाए. एट फर्स्ट दे ऑपरेटेड ऑन मेनली कॉन्जिटेनल हार्ट डिजीज. क्या है, पहले तो उन्होंने कॉन्जिटेनल होता जन्म जाते जिनको बाईपास मेनली जो कॉन्जिटेनल हार्ट डिफेक्ट कमियां जो थी, जन्म जात जो हृदय के अंदर कमियां थी, सबसे पहले उनका ऑपरेशन किया था. जन्म जात होता जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती हुई आई हुई है, ऐसे ऑपरेशनों के इन्होंने ऑपरेशन ऐसे मरीजों के ऑपरेशन करने शुरू किए थे. देन दे इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व, तब उन्होंने आर्टिफिशियल होता है नकली हार्ट की जो दिल की वाल्व होती है वो लागू की, वो इम्प्लीमेंट करके देगी. फ्रॉम देयर दे प्रोसीड टू बाईपास सर्जरी, उसके बाद में बाईपास सर्जरी होता है मतलब जो वाल्व होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं उनको बाहर से बाहर जोड़ देते हैं दिल के. पहले बाईपास सर्जरी होती थी, अब तो स्टंट वगैरह डाल देते हैं. एंड देन इफ द हार्ट ट्रांसप्लांट बाईपास सर्जरी, पहले तो उन्होंने डिफेक्ट जो थे कई सारे काम किए. कॉन्जिटेनल हार्ट डिफेक्ट जो जन्मजात बीमारी थी दिल की, वो कमियां उन्होंने रिमूव करने शुरू किए, ऑपरेशन करने शुरू किए. फिर उन्होंने आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व लागू की. फ्रॉम देयर फिर आगे बढ़े, इन्होंने बाईपास सर्जरी की और देन हार्ट ट्रांसप्लांट, और तब उन्होंने हृदय प्रत्यारोपण किया था. एकदम नहीं, काफी पहले छोटी चीजों से स्टार्ट हुए थे और बाद में इन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया. डॉक्टर बर्नार्ड वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन साउथ अफ्रीका विद एपर्थाइट्स वाज फॉलोड. एपर्थाइट्स होता रंग भेद की नीति. डॉक्टर बर्नार्ड का जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका में जहां पर रंग भेद की नीति को माना जाता था. एपर्थाइट्स इज द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द व्हाइट एंड द नीग्रोस. एपर्थाइट जो है वो एक नीति थी रंग भेद की. अपार्थाइट से इज द पॉलिसी, रंग भेद की जो नीति थी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता भेदभाव करना बिटवीन द व्हाइट्स एंड द नीग्रो. अंग्रेजों मतलब अंग्रेज लोगों के और नीग्रो होता हफ्सी लोग, काले लोगों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में भेदभाव की नीति थी, काले गोरे का भेदभाव. वन ही वॉज ए चाइल्ड, जब ये बच्चा थे छोटे, देर वॉज नो लॉज विच डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द नीग्रो. कोई कानून नहीं थे ऐसे देश के अंदर डिस्क्रिमिनेट होता भेदभाव करना कि निग्रो लोगों से भेदभाव किया जाए, ऐसे कोई कानून नहीं थे. बट इन 1948 में द नेशनल पार्टी केम टू पावर. नेशनल पार्टी जो है इनकी दक्षिण अफ्रीका की, वो सत्ता में आई एंड मेड स्ट्रिक्ट लॉज, उन्होंने सख्त कानून बना दिए. द कलर्ड पीपल हैड टू सीट इन ऑन सेपरेट बेंचेस, जो काले लोग थे उनको अलग बेंचों में बैठाया जाता था स्कूल में भी. दे हैड टू गो इन टू सेपरेट एरियाज, उनके लिए एरिए भी अलग अलग क्षेत्र बने हुए थे. दिस वॉज एन अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन टू डॉक्टर बर्नार्ड, के लिए ये स्वीकार करने वाली स्थिति नहीं थी. दे हैड टू गो, दिस वॉज एन एक्सेप्टेबल सिचुएशन टू डॉक्टर बर्नार्ड, के लिए स्वीकार करने वाली स्थिति नहीं थी. हिज फादर वॉज ए मिशनरी, होता धर्म प्रचार, इसके पिता जो धर्म प्रचारक थे, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने वाले. एंड ही ग्रू अप अमंग द नॉन वाइट पीपल, और उनका पालन पोषण जो हुआ था या बड़े हुए थे वो काले लोगों के बीच में ही हुए थे, नॉन वाइट लोगों के बीच में ऑफ द कंट्री. देश के जो काले लोग थे उनके घर आना जाना था. इट वॉज यूजुअल फॉर देम टू हैव ब्लैक पीपल इन देयर हाउस, कि हमारे लिए आम बात थी कि काले लोगों का हमारे घर में होना जो है हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी. उनके बगैर काम हमारा नहीं चलता, तो हमारे घर में रहते थे. डॉक्टर बर्नार्ड बिलीव दैट कलर डिस्क्रिमिनेशन वॉज अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ द बाइबल. डॉक्टर बर्नार्ड ये विश्वास करते थे जो रंग भेद की नीति है वो जो बाइबल है जो भगवान के उपदेश है उनके भी अगेंस्ट है, उनके संदेशों के अलग अलग है, ये अगेंस्ट है उनके. विच साइड, जिसमें कहा गया दैट वी मस्ट लव आवर नेबर्स एज अवरसेल्फ, कि हमें अपने पड़ोसी को इतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम अपने आप से करते हैं, बाइबल में ये कहा गया है. डॉक्टर बर्नार्ड से डॉक्टर बर्नार्ड कहते हैं दैट ही एंड हिज फैमिली हैज ऑलवेज अपोज्ड एपर्थाइट्स, कि मैंने और मेरे परिवार ने हमेशा रंग भेद की नीति का विरोध किया है. डॉक्टर बर्नार्ड ने यह बात स्वीकार की कि हम हमेशा इसके विरोध थे. इन 1970 में ही गेव ए लेक्चर अगेंस्ट एपर्थाइट के खिलाफ इन्होंने एक भाषण दिया था. द टाइटल ऑफ द टॉक वाज, जो भाषण का शीर्षक था इन्होंने जो टॉक की थी चैम्बर ऑफ हाउस चैम्बर्स में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दी थी. व्हाई वी डिजर्व टू बी कॉल्ड नाजी, कि हम हमारे को नाजी क्यों कहा जाता है, ये बात इसका टॉपिक था. व्हाई वी डिजर्व टू बी कॉल्ड नाजी, कि हम नाजी कहलाने के लायक क्यों है. ही कंपेयर्ड द लॉज मेड बाय द नाजीज अगेंस्ट द ज्यूज, कि उन्होंने उन कानूनों की तुलना की जो नाजी लोगों ने बनाए थे यहूदियों के खिलाफ जर्मनी के अंदर, विद द लॉज मेड बाय द व्हाइट्स अगेंस्ट द नीग्रो, और वही कानून जो है अंग्रेज लोगों ने इन काले लोगों के हफ्सी लोगों के खिलाफ बनाए. तो इन्होंने जो हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ कानून बनाए थे उन्हीं कानूनों की तुलना जो है अंग्रेज लोगों ने जो निग्रो लोगों के खिलाफ बनाए हैं उससे की है. देर वर सर्टेन जॉब्स विच द जूस कुड नॉट एंटर, की बहुत सी नौकरियां ऐसी थी जिसके अंदर यहूदी नहीं आ सकते थे. इन द सेम वे द
निग्रो कुड नॉट एंटर सर्टेन जॉब, तो हफ्सी लोग जो है दक्षिण अफ्रीका के अंदर कुछ जॉबें नौकरी ऐसी थी जहां पे इनको एंट्री नहीं थी। द टॉक वॉज रिपोर्टेड इन द पेपर, ये बातें जो है अखबार में आई जो इन्होंने कही, जो अपनी स्पीच जो दी थी, वाई वी डिजर्व टू बी कॉल्ड नाजी, अखबार में छपी है। बट द गवर्नमेंट डेयर्स नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट, डॉक्टर बर्नार्ड के खिलाफ सरकार की हिम्मत नहीं थी कि कोई कार्य इनके खिलाफ करे, कोई एक्शन ले। एज ही हैड बिकम फेमस इन द वर्ल्ड एज द फर्स्ट पर्सन टू परफॉर्म द हार्ट ट्रांसप्लांट, क्योंकि ये बहुत सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुके थे, क्योंकि इन्होंने पहले हार्ट ट्रांसप्लांट जो है पहला इन्होंने ही किया था, हत्या प्रत्यारोपण सारी दुनिया इन्हें जानती थी, तो इसलिए इन्होंने बोल दिया सरकार के खिलाफ, परंतु सरकार ने कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ही गेव अनदर टॉक अगेंस्ट एपार्थाइड्स के खिलाफ फिर उन्होंने भाषण दिया। द फैंटिक वाइट पीपल, जो कट्टरपंथी लोग थे, कट्टरपंथी अंग्रेज लोग थे, बिकेम वेरी एंग्री विद हिम, से बहुत ज्यादा गुस्से हो गए। देवन मेड एन अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ, यहां तक प्रयास किया था इनको मारने का, अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ। ए फ्यू डेज आफ्टर डॉक्टर बर्नार्ड मेड ए स्टेटमेंट अगेंस्ट द एपार्थाइड्स, की कुछ दिनों के बाद डॉक्टर बर्नार्ड ने जो टिप्पणी दी थी अपनी रंगभेद की नीति के खिलाफ, ही एंड हिज वाइफ वेंट टू अ रेस्टोरेंट, वो उसकी पत्नी एक रेस्टोरेंट में गए हुए थे, रेस्तरा में। व्हेन दे केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, से जब वे बाहर आए, ए कार नॉक देम डाउन, एक कार ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, उनको मार गया, मतलब एक तरीके से एक्सीडेंट कर दिया। दे वर सीरियसली वाउंडेड, वो गंभीर रूप से घायल हो गए, एंड ऑलमोस्ट डेड, लगभग मर गए थे। द पुलिस अरेस्टेड ए ब्लैक मैन, परंतु वहां पे पुलिस ने एक हब्स निग्रो को, काले आदमी को गिरफ्तार किया इस मामले में। अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज ही हु हैड नॉक्ड द बर्नार्ड डाउन, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार कि यही आदमी था जिसने बर्नार्ड को एक्सीडेंट किया। बट ही वॉज नॉट फाउंड गिल्टी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, परंतु कोर्ट ऑफ लॉ मतलब कानून के आगे वो दोषी नहीं ठहरा जा सका, वो था ही नहीं। द मजिस्ट्रेट साइड, मजिस्ट्रेट ने कहा दैट देयर वॉज नो एविडेंस दैट द मैन वॉज देयर एट दैट टाइम, कि कोई प्रमाण हमारे को नहीं मिल रहे हैं कि आदमी उस समय वहां पर था। देयर वर पीपल सुसाइड, कुछ लोग वहां पर थे जिन्होंने कहा था दैट देयर वॉज ए कार वेटिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड, कि कार यहां पर दूसरी साइड में हम प्रतीक्षा कर रही थी आपकी। दे सा दैट द कार सडनली केम आउट, कि उन्होंने देखा कि कार अचानक ही बाहर आई, एंड वेंट स्ट्रेट फॉर डैम, और उनकी कार की तरफ सीधा अटैक कर दिया। दिस अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ वॉज मेड, ये प्रयास किया गया था उनकी जिंदगी लेने का, बिकॉज ही अपोज्ड एपार्थाइड्स, क्योंकि उन्होंने रंग भेद की नीति का विरोध किया था। द व्हाइट फैंटिक्स डिड नॉट लाइक द एंटी एपार्थाइड, जो अंग्रेज कट्टरपंथी लोग जो थे, कट्टर धर्म के कट्टर लोग, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी आदमी एंटी एपार्थाइड व्यूज रखे, मतलब जो रंग भेद की नीति है उसके खिलाफ बोले, कोई वो नहीं चाहते थे। जो अंग्रेज कट्टर लोग थे, जो धर्म के कट्टर लोग होते, उनको फैंटिक्स कहते हैं। द होरिफिक इफेक्ट ऑफ एपार्थाइड्स ऑन ब्लैक पीपल इज वेल नोन, कि भयानक जो इफेक्ट प्रभाव रंग भेद की नीति का काले लोगों के ऊपर अच्छे सभी कोई जानता है। बट मैनी व्हाइट पीपल्स ऑल्सो सफर्ड बिकॉज ऑफ इट, परंतु बहुत से अंग्रेज लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं, ये नहीं कि काले लोग ही प्रभावित हुए, इनकी भी आलोचना हर जगह पर हुई है। पहली बात कहते हैं, फर्स्ट दे पेड हाई टैक्सेस, भी एपार्थाइड्स की पालना करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें टैक्स ज्यादा देने पड़ते थे। पहली तो बात यही मानते हैं कि हमें टैक्स ज्यादा सरकार को देने पड़ते थे उसके लिए, टू सपोर्ट एपार्थाइड्स को सपोर्ट करने के लिए। दे हैड टू सपोर्ट द होमलैंड दे हैड एंड मेंटेन ऑल द लॉज दे हैड, कि उनको अपनी होमलैंड को, अपने देश को सपोर्ट करना था, और मेंटेन ऑल द लॉज दे हैड, उनके पास जो कानून थे उनको कायम रखना था। मोर ओवर द आउटसाइड वर्ल्ड ऑस्टिसाइज द होल साउथ अफ्रीकन पीपल्स, की दूसरी बात है कि अलग थलग कर देना हो, तो ऑस्टिसाइज होता है सामाजिक बहिष्कार करना, जिसको हम कहते हैं कि सारी दुनिया ने दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज लोगों का बहिष्कार किया हुआ था, सामाजिक बहिष्कार किया हुआ था, ऑस्टिसाइज बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड्स, की जो नीति थी रंग भेद की नीति थी, उसकी वजह से सारी दुनिया, यहां तक इवन क्रिकेट भी इनकी टीम को खेलने नहीं दिया जाता था उस समय में। डॉक्टर बर्नार्ड नरेट्स वन ऑफ हिज एक्सपीरियंस, की डॉक्टर बर्नार्ड ही अपने अनुभव एक बताते हैं, मैंने पहले भी बता दिए थे इनके अनुभव। एक दिन की बात है, ही केम टू डालास में गए हुए थे, एंड वाज विद ए फ्रेंड हु वाज फ्रॉम सीरिया, उनका एक दोस्त था वो जो सीरिया से था। द मैन एट द डोर टुक देयर सूटकेस, की जो आदमी दरवाजे पे था उनका सूटकेस ले जा रहा था। बट वेन ही केम्स टू नो, परंतु जब उन्हें पता लगा, जब आपस में दोनों ही बात कर रहे थे कि डॉक्टर बर्नार्ड वाज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, कि डॉक्टर बर्नार्ड जो साउथ अफ्रीका से हैं, ही पुट हिज सूटकेस डाउन, उन्होंने इसका सूटकेस ही नीचे रख दिया। ही साइड, उसने कहा आई डोंट कैरी दिस सूटकेस ऑफ साउथ अफ्रीकन, की मैं किसी साउथ अफ्रीकन के आदमी का सूटकेस नहीं ले जा सकता, उसने वही रख दिया इसको। इतना ऑस्टिसाइज, उनको सामाजिक बहिष्कार, बाहर बहुत कुछ अपमान इन लोगों को झेलना पड़ा था। इन मेडिकल कॉलेज के अंदर ब्लैक स्टूडेंट वर नॉट अलाउड इवन द वॉच ऑफ
टू वॉच द व्हाइट पेशेंट बींग ऑपरेटेड अपॉन। जब कोई अंग्रेज आदमी की बॉडी आ जाती थी, कोई बीमार होता था, ऑपरेशन होता था, तो मेडिकल कॉलेज के अंदर जहां पे एमबीबीएस वगैरह नर्सिंग वगैरह के कोर्स करवाए जाते हैं, तो जो हाफसी लोग होते थे, जो बच्चे होते थे ब्लैक स्टूडेंट, उनको रूम से बाहर कर दिया जाता था। मतलब डेड बॉडी भी देखने नहीं देते थे व्हाइट पीपल्स की। मेडिकल कॉलेज में ब्लैक स्टूडेंट वर नॉट अलाउड इवन टू वॉच व्हाइट पेशेंट बीइंग ऑपरेटेड। जब उनको ऑपरेशन किया जाता था तो इनको ब्लैक स्टूडेंट को बाहर कर दिया जाता था, ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर देते थे। इन द एंड अंत में बर्नार्ड से बर्नार्ड कहते हैं दैट ही वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड नॉट फॉर डूइंग द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, कि मैं चाहूंगा कि मेरे को इसलिए नहीं याद किया जाए दुनिया में कि मैंने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था, ऑपरेशन किया था। ही वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड फॉर द चिल्ड्रन, कि मैं चाहूंगा कि मुझे याद रखा जाए बच्चों के साथ, हुम ही हैड ट्रीटेड फॉर वैरायटी ऑफ एबनॉर्मल हार्ट डिजीज, हुम ही हैज ट्रीटेड, जिनकी अनेक प्रकार की एबनॉर्मल असाधारण दिल की जो बीमारियां थी वो इन्होंने ठीक किया। इवन बाद में कह दें, एक बार एक छोटी सी लड़की थी और उससे मैं ऑपरेशन से पहले मिला, तो उसने बताया कि मेरा जो दिल है वो टूटा हुआ है, परंतु बाद में ऑपरेशन करने के बाद में इन्होंने कहा था कि उसका दिल अब ठीक हो गया है। तो उसने उन्होंने सेटिस्फेक्शन अपनी उस छोटी सी लड़की ने भी संतुष्टि व्यक्त की थी। तो इसलिए डॉक्टर बर्नार्ड कहते कि मेरे को इस वजह से ना जाना जाए कि मैंने पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया है, परंतु इस वजह से भी जाना जाए कि बच्चों के अंदर जो हार्ट डिजीज थी, अब नॉर्मल जो असाधारण डिजीज थी, उनको अनेक प्रकार की उनका ट्रीटमेंट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। ये थे डॉक्टर बर्नार्ड, और इनका इंटरव्यू जो है नरसिम्हन राम के साथ हुआ था 1997 में। नरसिम्हन जो है 4 मई 1945 को इनका जन्म हुआ था, और वो भी अपने पास हैं, और जिन्होंने इनका इंटरव्यू लिया था अभी जिंदा है वो। तो ये तो सारी बातें थी डॉक्टर बर्नार्ड के साथ जो हमारा एन राम ने इंटरव्यू लिया था, वो मैंने सारी बातें इसके अंदर बता दी है। और मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए सारी की सारी वीडियो डाल दी जाए, और अगर वीडियो दूसरे बच्चों का काम चल जाए तो एक दूसरे को बता देनी है और शेयर करनी है, तो आप शेयर कर सकते हैं इनको। स्टूडेंट आज हम बीएससी सेकंड सेम का जो है फोर्थ लेसन अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम, छुआछूत और जाति प्रथा। हम जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां डीपली रूटेड, इवन अब भी बहुत सी बुराइयां हैं, और थी भी जो हमारे समाज रिफॉर्मर्स रहे हैं उन्होंने बहुत बढ़िया प्रयासों से, उनके प्रयासों से काफी सारी बुराइयां जो हैं हमारे समाज से अबोलिश हो पाई। तो ऐसी ही एक बीमारी थी हमारे देश में और अब भी है काफी, मतलब कुछ 2-4% में ही हम कह सकते हैं, अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछात और कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा। कुछ लोग ये मानते हैं कि छुआछात और जाति प्रथा एक ही सिस्टम है, कुछ इसको अलग मानते हैं। भीमराव अंबेडकर का लेसन ये लिखा हुआ है, जाति प्रथा पे और अनटचेबिलिटी पे उन्होंने प्रहार किया है। इन पढ़े लिखे लोग भी जो कुछ मॉडरेट वर्ग है, कुछ वो थोड़ा ठीक करते हैं, परंतु रिलीजियस माइंडेड जो हिंदू हैं वो मतलब बहुत ज्यादा इनके ऊपर विचार करते हैं, इन चीजों के ऊपर। जबकि जैसे डेवलप कंट्री हैं जितने के, वहां पे कोई जाति प्रथा का कोई सिस्टम नहीं है। अपने देश में जो समाज था, जो वर्गीकृत समाज था, ग्रेडेड इनइक्वालिटी यहाँ पर थी, मतलब वर्गीकृत असमानता लोगों के बीच में थी। तो इस लेसन के अंदर हम यही बात करेंगे, छुआछात और जाति प्रथा क्या हमारे समाज में थी, क्या हम उसको अबोलिश कर पाए या नहीं कर पाए। ये भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ है, सभी जानते हैं उनका, भीमराव अंबेडकर को 1956 में एक्सपायर हो गए थे 65 साल की उम्र में, और मरण उपरांत उनको भारत रत्न भी मिला है। इन्होंने जो पुअरेस्ट वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग जो लोग के लोग हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा काम किया, उनके उत्थान के लिए। और जब ये इन्होंने पढ़ाई की थी उस समय में दलितों को मतलब पढ़ने की भी अनुमति नहीं थी, एक ब्राह्मण ने इनको अडोप्ट किया था और उसके बाद इन्होंने पढ़ाई की थी। और हमारा जो संविधान निर्माता, इन्हें कहा जाता है कि संविधान भी लिखा था इनके ही मार्गदर्शन में, संविधान लिखा गया था। तो इस लेसन के अंदर हम अनटचेबिलिटी और जाति, जैसे जाति प्रथा जो है चार वर्गों में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो जो अनटचेबिलिटी है वो अनटचेबल जो उनको शूद्रों के अंदर ही काउंट किया गया है, वो अलग ही मनु स्मृति में ये बातें कही गई। तो हम थोड़ा सा डिटेल में समरी देख लेते हैं छुआछात और जाति प्रथा के बारे में, जो हम सभी जो ग्रामीण बैकग्राउंड से बच्चे हैं वो तो सभी जानते हैं, शहरों में इतनी ज्यादा ये बुराई नहीं है। जो ग्रामीण इलाके हैं, फार रिमोट एरिया में जो हैं, आज भी वहां पर कुछ हद तक ये बीमारियां प्रचलित हैं। देयर इज अ मॉडरेट सेक्शंस अमंग द हिंदू सोशल रिफॉर्मर, एक कुछ नरम वर्ग है हमारे जो हिंदू समाज सुधारक हैं, मॉडरेट होता नरम वर्ग है एक सेक्शन। दिस सेक्शंस बिलीव्स
ये वर्ग मानता है, विश्वास करता है दैट अनटचेबिलिटी इज सेपरेट फ्रॉम कास्ट सिस्टम, कि चूहा छात्र जो है अनटचेबिलिटी वो जाति प्रथा से अलग है, ये मानते हैं। इवन फॉलोज द आइडियोलॉजी, अगर ये विचारधारा देखी जाए आइडियोलॉजी को विचारधारा, इट मीन इसका अर्थ है दैट इट इज पॉसिबल टू रिमूव अनटचेबिलिटी, इसका अर्थ है कि छुआछात को हटाना संभव है विदाउट अटैकिंग द कास्ट सिस्टम, बिना जाति प्रथा के ऊपर प्रहार किए हुए छुआछात को हटाना संभव है। बट द रिलीजियस माइंडेड हिंदू, परंतु जो धार्मिक प्रवृत्ति के कट्टर प्रवृत्ति के जो हिंदू लोग हैं, इज एज मच अपोज टू रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, इतना ही विरोध करते हैं छुआछात को हटाने का एज ही इज टू रिमूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, जितना वो जाति प्रथा को हटाने का विरोध करते हैं। बट द राइटर थिंक, परंतु लेखक सोचता है दैट कास्ट एंड अनटचेबिलिटी, जाति प्रथा, जाति और छुआछात आर टू डिफरेंट थिंग्स, आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, द टू आर वन, दोनों एक ही हैं और इनसेपरेबल एंड और इनसेपरेबल, और इनको अलग नहीं किया जा सकता। अनटचेबिलिटी इज ओनली एन एक्सटेंशन, छुआछात जो है थोड़ा सा एक विस्तार रूप है और द कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा का एक विस्तार रूप है छुआछात। देयर कैन बी नो सीवरेंस बिटवीन द टू, इनमें दोनों में कोई भी विरोध आभास, मतलब दोनों में कोई अलगाव नहीं, अलग अलग नहीं है ये। द टू स्टैंड टूगेदर, दोनों इकट्ठी खड़ी होंगी, एंड विल फॉल टूगेदर, दोनों इकट्ठी ही गिरेंगी। If we look at the matter from this point of view, अगर हम इस दृष्टिकोण से दोनों चीजों को देखें, untouchability को, caste system को, the idea of hoping to remove untouchability, जो हमारा विचार है, ये आशा करते हैं कि छुआछात खत्म हो जाए, without destroying the caste system, बिना जाति प्रथा को खत्म किए हुए छुआछात खत्म हो जाए, is an utter futility, ये एक निरर्थक विचार है, means ये पूरा हो नहीं सकता। futility होता निरर्थक, utter होता पूर्ण रूप से निरर्थक है, ये बिना जाति पर प्रहार किए हुए जाति प्रथा के ऊपर छुआछात को खत्म नहीं किया जा सकता। इन मनु स्मृति में मनु सेज दैट देयर आर ओनली फोर वर्णा एंड देयर इज नो फिफ्थ वर्णा। मनु स्मृति में मनु कहते हैं कि केवल चार वर्ण है और पांचवा वर्ण कोई नहीं है। सम स्कॉलर इंटरप्रेट दिस वर्स, कुछ विद्वान जो है व्याख्यान करते हैं इस वर्ष का, इस कविता का मनु की, टू मीन्स दैट द अनटचेबल आर इंक्लूडेड इन द फोर्थ वर्णा, जो अछूत लोगों को, अनटचेबल को, वो चौथे वर्ण में शामिल किया गया है। दिस मीन्स, इसका अर्थ है दैट दे आर पार्ट ऑफ शूद्र, कि वो शूद्रों का हिस्सा है, अनटचेबल अछूत लोग जो है शूद्रों का ही हिस्सा है। एंड एज देयर इज नो ऑब्जेक्शन इन टचिंग ऑफ शूद्र, इसलिए जब कोई एतराज नहीं है, कोई विरोध नहीं है शूद्रों को छूने में, देयर कुड बी नो ऑब्जेक्शन टू टचिंग द अनटचेबल, तो अछूत लोगों को भी छूने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बट द राइटर सीज, परंतु लेखक कहता है That मनु speaks of बाह्यच और वर्ण बाह्यच, कि मनु जो बोलते हैं बाह्य और वर्ण बाह्य के बारे में, that is outside the four वर्ण, मतलब इसका अर्थ है कि चार वर्णों से जो बाहर हैं, बाह्य और वर्ण बाह्य, उसको कहा है। If मनु wanted to include all person within the four वर्णास, अगर मनु चाहते सभी लोगों को चारों वर्णों में शामिल करना, there was no reason for him to place some people outside these वर्ण, तो कोई कारण नहीं था कुछ लोगों को इन वर्णों से बाहर रखने का, छोड़ने का। अकॉर्डिंग टू मनु के अनुसार, देर आर टू डिविजन विद इन द पर्संस, की आदमियों के बीच में दो बंटवारे हैं, दो विभाजन है, हु आर आउटसाइड द फोर वर्ण, जो चारों वर्णों से बाहर हैं उनके भी दो विभाजन है। द टू डिविजन आर हीन्स, हीनास कह ले, लो पर्सन, हीन जिसको हम कहते हैं निमन वर्ग के लोग, और अंत्यवासीन्स, अंत्यवासीन दोज हु आर आउटसाइड द सोसाइटी, अंत्यवासीन को जो समुदाय से बाहर है, वो दो हिस्सों में बांटा गया है, हिंद्स और अंत्यवासींस। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट मनु, द ऑर्थोडॉक्स हिंदू डू नॉट एक्सेप्ट दैट द मेंटेनेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इज कॉन्ट्रेरी टू मनु स्मृति। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अनुसार, मनु की इस टिप्पणी के अनुसार, द ऑर्थोडॉक्स हिंदू, जो रूढ़ीवादी हिंदू लोग हैं, डू नॉट एक्सेप्ट होता स्वीकार करना, वो स्वीकार नहीं करते हैं दैट मेंटेनेंस ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछात को कायम रखना, इज कॉन्ट्रेरी, विपरीत है टू मनु स्मृति के। On the other hand, दूसरी तरफ दे थिंक, वो सोचते हैं that the abolition of untouchability, छुआछात को समाप्त करना, is contrary, विपरीत है to the tenet of Hindu religion, tenet होता सिद्धांत, हिंदू सिद्धांत, हिंदू धर्म के जो सिद्धांत है उनके खिलाफ है छुआछात को खत्म करना। द राइटर से लेखक कहता है दैट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज ऑफ मनु के जो द राइटर से लेखक कहता है दैट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द व्याख्यान ऑफ द लॉज ऑफ मनु के जो नियम है उनका व्याख्यान, इट डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टैंड, समझना बहुत मुश्किल होगा, बाई द ऑर्डिनरी अनएजुकेटेड हिंदू, जो साधारण अनपढ़ किस्म के हिंदू है उनके द्वारा यह बात समझ में नहीं आ सकती।
यू ओनली नो, जो केवल जानता है दैट देर आर थ्री बैरियर्स इन द मैटर ऑफ सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार के मामले में तीन अड़चने हैं, तीन बाधाएं हैं विच ही मस्ट ऑब्जर्व, जिसका पालन उसे करना पड़ता है, देखनी पड़ती है। द फर्स्ट इज प्रोहिबिशन अगेंस्ट इंटरडाइनिंग, एक तो आपस में बैठ के खाना नहीं खा सकते, इस पे प्रोहिबिशन होता है, पाबंदी, मनाही है। द सेकंड इज द प्रोहिबिशन अगेंस्ट इंटरमैरिज, कि आपस में जातियां शादी नहीं कर सकती, इसके ऊपर मनाही। ये दो बातें मानी जाती है। बट इन केस ऑफ अनटचेबिलिटी की जहां पर छुआछात की बात है, जहां पर देयर इज अ थर्ड बैरियर आल्सो, तीसरी ब्लॉकआउट भी है। इट इज प्रोहिबिशन ऑफ टचिंग सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, कुछ वर्ग के लोगों को छूने से ही मनाही है। द फर्स्ट टू बैरियर्स मेक अप द कास्ट सिस्टम, पहली दो चीजें प्रोहिबिशन अगेंस्ट इंटरडाइनिंग और प्रोहिबिशन अगेंस्ट इंटरमैरिज, जो दो चीजें जो जाति प्रथा बनाती हैं। द थर्ड बैरियर जो छूने से मनाई है, फॉर्म द अनटचेबिलिटी, ये बनाती है छुआछात। द कास्ट हिंदू इज नॉट बोदर्ड अबाउट द नंबर ऑफ बैरियर, हिंदू जाति जो है वो कोई परेशानी नहीं उठाना चाहती भी कितनी बैरियर्स हैं, कितनी रुकावटें हैं। इज पार्टिकुलर अबाउट द ऑब्जर्वेंस ऑफ बैरियर, वो विशेष ध्यान देता है कि पालन करने में थर्ड बैरियर्स को। इज पार्टिकुलर विशेष तौर से अबाउट द ऑब्जर्वेंस ऑफ बैरियर, वो तो पालन करने की तरफ विशेष तौर से भाग ध्यान देता है इन चीजों को। ही आर्ग्यूज, वो तर्क देता है दैट इफ ही इज फ्री टू ऑब्जर्व द फर्स्ट टू बैरियर, ही इज पार्टिकुलर अबाउट द ऑब्जर्वेंस ऑफ द बैरियर, मतलब उसका काम है विशेष तौर से निरीक्षण करना इन बाधाओं का। ये आर्ग्यू जो तर्क देता है दैट इफ ही इज फ्री टू ऑब्जर्व द फर्स्ट बैरियर, अगर वो पहली दो रुकावटों को देख सकता है, दो रुकावटों का पालन कर सकता है, व्हाट इज रॉन्ग इफ ही ऑब्जर्व द थर्ड बैरियर, तो क्या गलत होगा अगर वो तीसरे को भी ऑब्जर्व करेगा, तो निरीक्षण करेगा। तो द राइटर थिंक, लेखक सोचता है दैट द कास्ट एंड अनटचेबिलिटी, जाति प्रथा और छुआछात आर ऑन इंटरकल सिस्टम, एक अहम महत्वपूर्ण प्रथा है, बेस्ड ऑन वन, एक पर आधारित है, एंड सेम प्रिंसिपल, एक ही सिद्धांत के ऊपर आधारित है। द राइटर से लेखक कहता है दैट द हिंदू सोशल ऑर्डर, हिंदू सामाजिक व्यवस्था जो है, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड, वर्गीकृत सामाजिक, सोशल इनइक्वलिटी, एस मानता पर आधारित है। वो मानता है कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था जो है आधारित है वर्गीकृत सामाजिक असमानता के सिद्धांत पर आधारित है। मेनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, बहुत से लोग समझते नहीं है महत्व को ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के महत्व को नहीं समझते हैं, ऑफ ग्रेडेड सोशल इनइक्वलिटी, जो वर्गीकृत सामाजिक असमानता का सिद्धांत है, बहुत से लोग इसको नहीं समझते हैं, क्यों बंटवारा इसमें किया गया है। इन द सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इनइक्वलिटी, जो एक हमारी प्रथा है वर्गीकृत असमानता की, देयर इज द हाईएस्ट, यहां पर सबसे ऊपर है हाईएस्ट, मींस ब्राह्मण, द ब्राह्मण, बिलो द हायर, बिलो देम आर द हायर, उनसे नीचे हायर, उच्चतर, अक्षत्रिय, बिलो द हायर आर द वैश्य, उसके बाद में आते हैं वैश्य, बिलो देम आर द लोज, उसके बाद है शूद्र, एंड बिलो द लो से नीचे हैं आर द लोअर, द अनटचेबल, वो आते हैं अछूत वर्ग के। ऑल ऑफ देम हैव द ग्रीवियंस अगेंस्ट द हाईएस्ट, सभी को शिकायतें हैं, ग्रीवियंस होता परेशानी, शिकायतें हैं हाईएस्ट के अगेंस्ट, मतलब ब्राह्मण्स के खिलाफ, बट दे विल नॉट कंबाइन विद ईच अदर, परंतु एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चलना चाहते सारे के सारे। द हायर इज एंग्जियस टू गेट रिड ऑफ द हाईएस्ट, कि हायर जो है वो हाईएस्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं, बट ही वुड नॉट कंबाइन विद द हाई, परंतु नीमन अपने से नीचे वैश्यों के साथ नहीं मिलना चाहता। द लो एंड द लवर, इसी लोअर लोअर से इसी तरीके से, मतलब नीचे वाले से मिलना नहीं चाहते हैं, ऊपर वाले के खिलाफ शिकायत सभी को है। लेस्ट दे शुड रीच हिज लेवल एंड बी हिज इक्वल, कभी वो ऊपर उठ के उनके बराबर ना हो जाए। द सेम इज द केस विद अदर कैटेगरी, यही मामला है, यही बातें हैं दूसरे वर्गों के साथ। ईच क्लास हैज प्रिविलेज, प्रत्येक वर्ग के पास विशेष अधिकार है, प्रिविलेज होता है विशेष अधिकार, एक्सेप्ट द वन एट द बेस, सिवाय उसके जो सबसे नीचे है। सो ईच क्लास इज इंटरेस्टेड इज मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, तो प्रत्येक वर्ग जो है अपनी रुचि दिखाता है कायम रखने में सामाजिक प्रथा को। द सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन द सोशल इनइक्वलिटी, जो सामाजिक प्रथा है जो आधारित है सामाजिक असमानता पर, इज डिफरेंट, वो अलग है फ्रॉम द सिस्टम बेस्ड ऑन द ग्रेडेड इनइक्वलिटी, उस प्रथा से जो हमारी वर्गीकृत असमानता के सिद्धांत पर आधारित है। द फर्स्ट सिस्टम इज वीक, पहला जो सिस्टम है सोशल इनइक्वलिटी का और एक ग्रेडेड इनइक्वलिटी, पहला सिस्टम जो है, द फर्स्ट सिस्टम इज वीक, वो कमजोर है, एंड इज नॉट कैपेबल ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेंस, और आत्म संरक्षण के लिए सक्षम नहीं है। द सेकेंड सिस्टम, दूसरी जो प्रथा, दूसरा सिस्टम जो है, दैट इज द सिस्टम ऑफ ग्रेडेड सोशल इनइक्वलिटीज, वर्गीकृत सामाजिक असमानता का जो सिद्धांत है, इज बेस्ड ऑन द सेल्फ प्रिजर्वेंस, ये आत्म संरक्षण पर आधारित है। इन ए सिस्टम बेस्ड ऑन इक्वलिटी, ये प्रथा जो सिस्टम है हमारा जो असमानता पर आधारित है,
द लो ऑर्डर्स कैन कंबाइन टू ओवरथ्रो द सिस्टम। द लो ऑर्डर नीचे की व्यवस्था जो है नीचे दर्जे की कैन कंबाइन, वो मिल सकती है, इकट्ठी हो सकती है टू ओवरथ्रो, फेंकने के लिए द सिस्टम, इस प्रथा को हटाने के लिए वो इकट्ठे हो सकते हैं। None of them has any interest to preserve it. किसी की कोई रुचि नहीं है इसको संरक्षित करने में। But in a system based on graded inequality, परंतु जो सिस्टम हमारा वर्गीकृत असमानता का है, the possibility of the general common attack by the aggrieved parties is not existence. संभावना जो है जनरल कॉमन अटैक की, सामान्य आक्रमण की, by the aggrieved हिंसात्मक या पीड़ित पार्टियों के द्वारा, लोगों के द्वारा, is not existence, अस्तित्व में नहीं है। In a system of graded inequality, जो वर्गीकृत असमानता की प्रथा है, नो क्लास वांट टू कंबाइन विद लोअर वन, कोई भी वर्ग जो है मिलना नहीं चाहता है नीचे वालों से। ईच क्लास हैज सम प्रिविलेज, प्रत्येक वर्ग के पास अपने कुछ विशेष अधिकार है, एक्सेप्ट द क्लास दैट इज एट द बॉटम, शिवाय उस वर्ग के जो नीचे है, सबसे नीचे बॉटम पे है। एट ईच क्लास इज प्रिविलेज, ऐसे एज, क्योंकि प्रत्येक वर्ग के पास विशेष अधिकार है। एवरी क्लास इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द सोशल सिस्टम, प्रत्येक वर्ग जो है रुचि रखता है, लेता है मेंटेनिंग, कायम रखने में इस सामाजिक व्यवस्था को। द राइटर से लेखक कहता है दैट अनटचेबिलिटी विल डिसअपीयर ओनली व्हेन द होल ऑफ द हिंदू सोशल ऑर्डर, की छुआछूत जो है केवल तब खत्म हो सकती है जब सारा का सारा हिंदू सामाजिक व्यवस्था, स्पेशली द कास्ट सिस्टम, विशेषकर जाति प्रथा, विल बी डिसॉल्व, अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो, जाति प्रथा को खत्म कर दिया जाए तो खत्म हो सकती है छुआछूत। इसे जो कहता है दैट देयर आर थ्री काइंड ऑफ सैंक्शन, तीन प्रकार की मान्यताएं हैं, विच सप्लाई लाइफ फोर्स टू एन इंस्टीट्यूशन, जो एक संस्थान को जिंदगी रूपी ताकत देती हैं। दे आर, वो तीन प्रकार की जो मान्यताएं हैं वो है लीगल, सोशल और रिलीजियस, वैधानिक मतलब कानूनी, सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं हैं तीन प्रकार की। द वाइटलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो प्रमाणिकता है या कामयाबी है संस्थान की, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सैंक्शन बिहाइंड इट, वो निर्भर करता है किस प्रकार की मान्यता उसके पीछे है। द लीगल एंड सोशल सैंक्शन आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द रिलीजियस सैंक्शन, वैधानिक और सामाजिक मान्यताएं जो हैं इतनी ताकतशाली नहीं है जितनी की धार्मिक। एनीवन व्हिच हैज अ रिलीजियस सैंक्शन, जिसके पीछे भी धार्मिक मान्यता है बिहाइंड इट, उसके पीछे बिकम सेक्रेट, पवित्र बन जाती है, एंड इटरनल और अनंत हो जाती है वही। इट बिकम्स इम्पॉसिबल, या संभव हो जाता है टू चेंज दैट, उसको बदलना असंभव हो जाता है। Unfortunately, दुर्भाग्यवश, the caste system has the religious sanction, जाति प्रथा के पीछे धार्मिक मान्यता, behind it उसके पीछे धार्मिक मान्यता है। Therefore, इसलिए the Hindus think, हिंदू लोग सोचते हैं that the caste is sacred, कि जाति ही पवित्र है और eternal, और जाति ही अनंत है। Untouchability is sustained, कि छुआछूत जो केवल कायम रह सकती है by the caste system, जाति प्रथा से ही कायम रह सकती है। If caste system cannot end, अगर जाति प्रथा को हम खत्म नहीं कर सकते, There is no hope, हम कोई आशा नहीं कर सकते हैं for the untouchability to disappear, कि छुआछूत जो है वो खत्म हो जाएगी, हम ये होप नहीं कर सकते हैं। ये हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां हैं और उसमें से जाति प्रथा और जो अनटचेबिलिटी की बुराई जो है वो, अनटचेबिलिटी एक पूरा का पूरा लेसन मुंशी प्रेमचंद का भी लिखा हुआ है, मैंने बहुत डीपली स्टडी किया था कि उसके अंदर जब भी कोई अछूत जो है, पहले जमाने में जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे हमारे, जब भी किसी अपर सोसाइटी के समाज में आता था तो उसको गली से बाहर आवाज लगानी पड़ती थी कि अनटचेबल आ गया है, आप साइड में हो जाएं। अगर बाय चांस किसी को छू भी जाता था तो दोबारा स्नान करके वहां से निकल कर चलते थे। इस प्रकार की प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थी। कम से कम वो चीजें जो है, हो सकता है कि रिमोट एरिया में या बैकवर्ड इलाका में अब भी हो, बट जो अपर सोसाइटी है जहां पर माइंड लोगों का थोड़ा माइंड सेटअप हो चुका है, चेंज हो चुका है, वहां पर थोड़ा सा बदलाव आ चुका है। अब ऐसी बातें, ऐसी प्रॉब्लम्स अनटचेबिलिटी की लगभग जो है डिसअपीयर हो चुकी हैं। और कास्ट सिस्टम तो हमारे समाज में रहेगा, जब तक ग्रेडेड इनइक्वालिटी है तो कास्ट सिस्टम रहेगा। और ये भी कास्ट सिस्टम भी हमारी जो सोसाइटी है, हमारा समुदाय है, हमारा देश है, इस तरीके से बना हुआ है कि कास्ट सिस्टम यहाँ पे थोड़ा जरूरी भी है। हम इतने विकसित नहीं हुए कि जाति प्रथा को बिल्कुल खत्म कर सके। अब स्टूडेंट्स, हम बीएससी जो है सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, सेमेस्टर सेकेंड्स की जो फिफ्थ लेसन है, इनह्यूमनाइजेशन ऑफ वार्स। इनह्यूमनाइजेशन होता है अमानवीयकरण, मतलब वार का, युद्ध का जो अमानवीय रूप है उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। अमानवीय रूप का मतलब हम ये कंसीडर ही नहीं करते हैं कि मानव जाति को जब हमें जन्म देने का अधिकार नहीं है तो उसका जीवन लेने का अधिकार भी हमारे पास नहीं है। अभी ये रिसेंटली बहुत ज्यादा, अभी अभी इसराइल की फिलिस्तीन की लड़ाई हुई है, सभी दुनिया, सारी दुनिया में हाईलाइट हुई है,
उन्होंने एक आयरन डोम लगाया हुआ था, जितनी भी मिसाइल जो है फिलिस्तीन की तरफ से डाली जाती थी वो आयरन डोम पे ही रुक जाती थी, आगे नहीं जा पाती थी। और इन्होंने तकनीकी तरीके से एक एक इंच को यहाँ पे टारगेट बनाया है, मतलब अब ऐसा कंप्यूटराइज युद्ध हो गए हैं। कंप्यूटर मतलब एक जगह पे बैठ के कंप्यूटर के ऊपर सारा का सारा युद्ध हो जाता है। मतलब अब जो प्लेन हमारे पास आ गए हैं ऐसे, जिसे पायलट की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास ऐसे ड्रोन आ गए हैं कि लोकेशन का कहीं पे पता कर सकते हैं हम। तो ऐसे यहाँ पे जो हॉक गुटमैन है, ये एक राइटर्स हैं, और इन्होंने इसके बारे में, युद्धों के बारे में काफी कुछ कहा है यहाँ पे, कि अमानवता का रूप धारण करते जा रहे हैं, कि कहाँ पे हमारी दुनिया पहुंचेगी। तो अफगानिस्तान के युद्ध की भी यहाँ पे बात हुई है, और दो राइटर्स जो हैं, दो लेखकों की बात आएगी, वाल्ट विटमैन्स की और एक और हैं विलमैन्स, हारमैन्स मेलविल्स की, इन दो की बात आएगी। ये भी एक उनके पक्ष में थे, अपने अनुभव दे रहे थे जो उन्होंने युद्धों के बारे में। हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि युद्ध जो है वो ठीक नहीं है। जिस प्रकार हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने बम गिराए थे, कितनी सारी दुनिया मारी गई थी वहां पे। तो ये अमानवीय रूप जो है युद्धों का होता जा रहा है, कि आदमी जो है, जो टेक्नोलॉजी जिनके पास है, तकनीकी युद्ध हो गए हैं। टेक्नोलॉजी जिसके पास है वो दूसरे देश के लोगों को कंसीडर ही नहीं करते हैं, मिसाइलें छोड़ देते हैं, एटम बम गिरा देते हैं। तो मतलब उसको ये पता नहीं कि उन लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उन्होंने बटन दबा दिया और वो जा अगले भुगतेंगे कि जो भी होगा। तो इस लेसन के अंदर हम मानव जो युद्ध का अमानवीय रूप है उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। द राइटर सेज दैट देयर हैव बीन टू ग्रेट पोएट इन अमेरिका। लेखक कहता है कि अमेरिका के अंदर दो महान कवि हुए हैं, देवर्स वाल्ट विटमैन्स एंड हारमैन्स मेलविल्स। इनके नाम थे वाल्ट विटमैन और हारमैन मेलविल्स। बोथ ऑफ द पोइट्स रोट अबाउट है, ये दो राइट पॉइंट बहुत हुए हैं, बट यहाँ पे दो की चर्चा की गई है। क्योंकि क्योंकि इन्होंने दोनों ने युद्ध की चर्चा की है। बोथ ऑफ द पॉइंट रोट अबाउट ए वार विच वाज इन अ डिस्टेंस पास्ट, की जो बहुत पुराना युद्ध था उसके बारे में इन्होंने लिखी है। द अमेरिकन सिविल वार हुआ था 1861 से 65 तक, गृह युद्ध इनका चला था। इन दैट वार में अमेरिकन नॉर्दर्न एंड साउथर्न स्टेट अपोज्ड वन अनदर, अमेरिका के नॉर्थ और साउथ जो दक्षिण के और उत्तर के स्टेट थे, उन्होंने एक दूसरे का विरोध किया था। ओवर द क्वेश्चन ऑफ एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, एबोलिशन होता हटाना, जो दास प्रथा थी जिसके ऊपर अब्राहम लिंकन को भी इन्होंने मार दिया था, जो गुलामी प्रथा थी उसको हटाने के ऊपर दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वार पोएट्स, यद्यपि इन दोनों कवियों के अंदर, वाल्ट विटमैन्स में और हारमैन्स मेलविल के अंदर एक फर्क है। वाल्ट विटमैन रोट पोइम बेस्ड ऑन इज फर्स्ट हैंड नॉलेज, वाल्ट विटमैन ने जो क्वेश्चन लिखे अपने अनुभव के आधार पर, बैटल फील्ड में ये कूद गए थे युद्ध क्षेत्र में, एंड वार टाइम हॉस्पिटल, और युद्ध के समय में इन्होंने अस्पताल में जो सेवाएं दी थी इन्होंने अपना आंखों देखा वर्णन किया। वाल्ट विटमैन ने इस ऑडी ने हॉस्पिटल फॉर 4 ईयर ड्यूरिंग द वार, युद्ध के समय में इन्होंने 4 सालों तक हॉस्पिटल में सेवा की है। इज पोएट्री इज फुल ऑफ कंपैशन एंड रिमाइंड रीडर ऑफ द हॉरर ऑफ वार, इनकी कविताएं जो है सहानुभूति से भरी हुई है और रिमाइंड्स याद दिलाती हैं रीडर पढ़ने वालों को हॉरर ऑफ वार, युद्ध के भय के बारे में, एंड द सफरिंग ऑफ द विक्टिम, और जो लोग उसे पीड़ित होते हैं, जो सफर्स होते हैं, उनकी पीड़ाएं क्या होती हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हरमैन मेलविल जो हैड नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद वार, कि उनका सीधा अनुभव नहीं है, परंतु उन्होंने भी युद्ध के बारे में लिखा है। ही इज बेटर नोन एज ए नॉवलिस्ट ऑफ द सी, इनको अच्छी तरीके से जो सागरों के कवि के रूप में ज्यादा जाना जाता है, उपन्यासकार के रूप में, सागरों के उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। येट हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ वार्स हैज ए स्ट्रेंज पावर, परंतु जो डिस्क्रिप्शन होता है वर्णन करना, परंतु जो इन्होंने युद्ध का वर्णन किया है उसमें एक विचित्र किस्म की ताकत है। व्यूइंग वार फ्रॉम द थॉटफुल डिस्टेंस, की युद्ध को देखना विचारों के अंदर, दूर विचारों के अंदर, ही ऑल्सो फेल्ट इट्स पेन, उसको दर्द को भी इन्होंने महसूस किया। बट मेलविल नोटेड दैट वार वाज बिकमिंग मोर एंड मोर मैकेनाइज्ड, की परंतु मेलविल ने महसूस किया है कि युद्ध जो है यांत्रिकीकरण पे जाते जा रहे हैं, तकनीकी युद्ध होते जा रहे हैं। द राइटर से लेखक कहता है दैट बाय द टाइम द अमेरिकन सिविल वार 1861 टू 65 टुक प्लेस, वे उस समय तक जब अमेरिकन लड़ाई हुई थी, गृह युद्ध हुआ था 1861 से 1865 तक, मशीन्स वर चेंजिंग द मोड ऑफ वारफेयर, की मशीनें जो बदल रही थी युद्ध के तरीके। इन वन द पोइम हारमैन मेलविल रोट, अपनी ये कविता के अंदर हारमैन मेलविल लिखते हैं अबाउट दिस वार इशू के बारे में, दैट द वार नाउ बिलोंग्स टू ट्रेडर एंड आर्टिसंस,
कि अब जो व्यापारिक युद्ध हो गए हैं, और मतलब आर्टिस्ट होता तकनीकी लोग जो होते हैं उसको बनाने वाले, बम्बों को बनाने वाले, मिसाइलों को बनाने वाले, वो भी आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, वो भी व्यापारी, एक दूसरे देशों को मतलब हम गोला बारूद बेचते हैं, हथियार बेचते हैं, तो इसलिए इन्होंने वार आर्टिसन कहा है। नो टू द फाइन एंड ब्रेव पर्सन, अब अच्छे और बहादुर लोगों तक सीमित नहीं रहे हैं, अब तकनीकी युद्ध, व्यापारिक युद्ध हो गए हैं। द मशीन्स पावर्स एंड टेक्नीशियंस वर बाई नाउ रिप्लेसिंग द मैन्स, द मशीन्स पावर, मशीनों की ताकत और तकनीकी लोगों की ताकत जो टेक्नीशियन है, वर बाई नाउ रिप्लेसिंग द मैन, आदमी का स्थान लेती जा रही है। द ब्रेवरी एंड द डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, बहादुरी और सीधा आमना सामना जो है, मेलविल रोट दैट इन द वार्स, की मेलविल जो है लिखते हैं युद्ध के अंदर क्रैंक, पिवोट्स, शक्रु, ये जो मिसाइल वगैरह के जो पार्ट्स होते हैं उनको कहा है क्रैंक, पिवोट्स, शक्रु, ये पेंच वगैरह जो हम लगाते हैं, जो भी क्रैंक सभी में पार्ट उसमें होती है, मशीनों में होती है क्रैंक। रिप्लेस नाउ जस्ट मैन बट पैशंस, पर रिप्लेस बट नोट जस्ट मैन, केवल आदमी को ही नहीं बदला परंतु उसकी भावनाओं को भी बदल दिया है, उसकी जगह ले ली है इन चीजों ने, क्रैंक, पिवोट्स एंड स्क्रू ने। द राइटर सेज दैट सिंस देन, लेखक कहता है तब से लेके, वार हैज बिकम हाईली मैकेनाइज्ड, युद्ध जो है बहुत ही यांत्रिकीकरण का युद्ध हो गया है। इन वन ऑफ हिज पोइम मेलविल रोट, अपनी एक कविता के अंदर मेलविल लिखते हैं, दैट वार येट शैल बी बट वॉरियर्स आर नाउ ऑपरेटिव, युद्ध तो होते रहेंगे परंतु योद्धाएं जो हैं वो ऑपरेटिव होंगे, मतलब कहीं और से चलाने वाले होंगे, वहां युद्ध भूमि में नहीं होंगे। उनका कहने का अर्थ है दैट वार्स वुड बी फोट इन द फ्यूचर, भविष्य में लड़ाइयां तो लड़ी जाएंगी, बट द इम्फेसिस वुड नॉट बी ऑन ब्रेवरी एंड हीरोइज्म, हीरोइज्म, परंतु जो जोर डाला जाएगा वो बहादुरी और वीरता के ऊपर नहीं, इट वुड बी मैकेनाइजेशन ऑफ वार, युद्ध का यांत्रिकीकरण पे होगा, मतलब तकनीकी युद्ध होगा। एंड वट ही प्रोफेसिस हैज कम ट्रू, जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, प्रोफेसिस होता भविष्यवाणी करना, वो सच हुई। अमेरिकन एयरप्लेन ड्रॉप बम्स फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 16 किलोमीटर, अमेरिकन जो जहाज है वो बम गिरा देती है 16 किलोमीटर ऊपर से, गाइडेड बाय द कंप्यूटर, वो भी चलाए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा और लेजर के द्वारा, टुवर्ड द डिस्टेंस टारगेट ऑन द अर्थ, दूर जो निशाने बनाते हैं धरती के ऊपर। टोटली मैकेनिकल एंड अनमैन प्लेन्स लोकेट द एनिमी, पूर्ण रूप से तकनीकी और अनमैन, बिना आदमी के, आदमी मानव रहित जो प्लेन्स है, विमान, लोकेट होता है ढूंढना, एनिमी दुश्मन को ढूंढ लेते हैं, ट्रैकिंग उसका पीछा करते हैं, एंड कैन फायर मिसाइल्स एट हिज पोजीशन, और उसकी जो स्थिति है जहां पर वो लोकेट है उसके ऊपर मिसाइल को दाग सकते हैं। द ब्रिटिश मेंटेन्स देयर एम्पायर बाय मींस ऑफ मशीन गन, कि ब्रिटिश लोगों ने मेंटेन कायम रखा अपने साम्राज्य को, एम्पायर को, मींस ऑफ मशीन गनों के माध्यम से, मशीन गनों के द्वारा उन्होंने अपने साम्राज्य को कायम रखा। बट इन वर्ल्ड वार फर्स्ट में फाइटर प्लेन्स टुक पार्ट, फाइटर प्लेन्स आ गए वहां पे, उन्होंने हिस्सा लिया पहले विश्व युद्ध में जहाजों ने। इन वर्ल्ड वार सेकंड में द बॉम्बर्स प्लेन वर मोर डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव, वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर जो बम गिराने वाले प्लेन्स थे, जहाज थे, वो बहुत ही खतरनाक और विनाशक थे, डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी थे। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार गैस वारफेयर वॉज इंट्रोड्यूस, पहले विश्व युद्ध के अंदर गैस से जो लड़ाई थी वो लागू की आई थी। इन द सेकेंड वर्ल्ड वार में द न्यूक्लियर वेपन वर एक्सेसिबल, दूसरे विश्व युद्ध में लोग परमाणु हथियारों तक पहुंच गए, एक्सेसिबल था पहुंच, उनकी पहुंच में न्यूक्लियर वेपन आ गए थे। दस द राइटर इज राइट व्हेन ही सेज, तो इसलिए लेखक जो ठीक कहता है वो, दैट व्हाट मेलविल्स फोरटोल्ड हैज कम टू पास, कि जो मेलविल ने भविष्यवाणी की थी, फोरटोल्ड कहा था, जो पुरानी भविष्यवाणी की थी वो अब सच सिद्ध हो चुकी है। The writer makes a comparison between the war of the past and the Afghanistan war of 2001. अभी अफगानिस्तान से जो है, अफगानिस्तान का आपस में डिस्प्यूट चल ही रहा है, उनकी लड़ाई चल रही है तालिबानों के साथ, और जो अफगानिस्तान सरकार है, क्योंकि वहां से जो अमेरिका सेना थी, ट्रूप जो थी वो जा चुकी है, और अब उनके जाने के बाद में तालिबान लोग जो है उनके ऊपर हैवी हो गए हैं। कल की शायद स्टेटमेंट थी कि हमने 85% अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, और अफगानिस्तान सरकार जो दूसरे देशों से मतलब सहायता के लिए प्रार्थना कर रही है कि भाई हमारी सहायता करो। तो यहाँ पे कैसे हुई थी ये लड़ाई देखते हैं। द राइटर मेक ए कंपैरिजन, लेखक जो है हमारे एक तुलना करते हैं किस चीज में, बिटवीन द वार्स ऑफ द पास्ट एंड द अफगानिस्तान वार इन 2001, 2001 में अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी अमरीका के शुरू, और जो भूतकाल में जो लड़ाई हुई थी इन दोनों के बीच में तुलना कर रहे हैं।
इन द पास्ट में आर्मीज ऑफ बोथ द साइड सफर्ड कैजुअलिटीज। जब भूतकाल में लड़ाइयां लड़ी जाती थी दोनों सेनाओं की कैजुअलिटीज होती थी, कैजुअलिटी मीन जान माल की हानि होना, दोनों तरफ से लोग आदमी मरते थे। बट इन द अफगानिस्तान वार के अंदर द अमेरिकन फोर्सेस फोट ए लार्ज स्केल वार थ्रूआउट द कंट्री, कि अमेरिकन सेनाओं ने सारे देश के अंदर लड़ाई लड़ी है बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर, विदाउट सफरिंग ए सिंगल कैजुअलिटी, एक भी कैजुअलिटी के बगैर, मतलब एक भी मौत अमेरिकन सैनिक की नहीं हुई। द वार हैज बीन सो मैकेनाइज्ड एंड ऑटोमेटेड, की युद्ध जो है इतना तकनीकी यांत्रिक हो गया था और ऑटोमेटिक इतना हो गया था, सब चालीस जिसको हम कहते हैं, सो डिस्टेंस दैट वन नेशन कैन ब्रिंग डाउन डिस्ट्रैक्शन ऑन अनदर, कि सो डिस्टेंस इतनी दूर से एक राष्ट्र जो है ब्रिंग डाउन डिस्ट्रैक्शन विनाश कर सकता है ऑन अनदर विदाउट एक्सपीरियंसिंग इन एनी वे द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉरफेयर, कि दूसरे देश का विनाश कर सकता है बिना अनुभव किए हुए। कॉन्सिक्वेंसेस होता है परिणाम, की युद्ध के परिणाम को बिना जाने हुए बम को छोड़ देते हैं, गिरेगा जिस देश में, जिसमें टारगेट बनाया उस देश में गिर जाएगा, वहां के लोग जानेंगे कितने लोग मरे हैं, वो अनुभव नहीं करते कि क्या उन लोगों के साथ बीतेगी। सम पीपल ऑब्जेक्ट टू द अमेरिकन इंटरवेंशन, कुछ लोगों ने जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था, कुछ लोगों ने विरोध किया था इस बात का, हस्तक्षेप किया था, विरोध किया था इस हस्तक्षेप का। सम पीपल वरी अबाउट द फेथ ऑफ अफगान पीपल, कुछ लोग चिंतित थे अफगानिस्तान के लोगों के बारे में, उनके साथ क्या होगा। फर्स्ट विक्टिमाइज्ड बाय द तालिबान एंड देन बाय द एरियल बम्बार्डमेंट बाय द अमेरिकन, सबसे पहले वो परेशान हुए थे, पीड़ित हुए थे, विक्टिमाइज हुए थे तालिबान लोगों ने, उन्होंने परेशान किया हुआ था। एंड देन बाय द एरियल बम्बार्डमेंट, तब हवाई बम वर्षक आ गए थे अमरीका के वहां पे, जहाज जो हवा में से बम डालते हैं, तो अफगानी लोगों का क्या भविष्य होगा। बट द राइटर इज वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, परंतु हमारे लेखक जो हैं ये चिंतित है मानवता के बारे में, वरीड होता है चिंतित होना, फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, ही वंडर्स व्हाट विल हैपन टू ह्यूमैनिटी एज वन नेशन कैन वेज वार ऑन अनदर। उनको आश्चर्य होता है क्या होगा इस मानवता के पास जब हम एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं, कॉजिंग डिस्ट्रैक्शन का विनाश कर रहे हैं, विदाउट हैविंग टू सफर एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट हैविंग ए सफर, कि हमारे को पीड़ित नहीं होना पड़ता है किसी विनाश का, डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस इन रिटर्न, बदले में हमारा कोई कॉन्सिक्वेंसेस होता परिणाम होना, और डिस्ट्रक्टिव होता विनाशकारी, कि हम दूसरे देश का तो विनाश कर देते हैं बिना अपने ऊपर किसी प्रकार का विनाश का परिणाम भुगते हुए। द यूज ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ वार इन अफगानिस्तान, जो प्रयोग है आधुनिक तरीकों का युद्ध के अंदर, अफगानिस्तान में जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर जो आधुनिक तरीके प्रयोग किए गए थे, हैज मेड इट पॉसिबल टू अवॉइड द रेसिप्रोकल अटैक, कि हैड मेड इट पॉसिबल, ये संभव हो गया है कि रेसिप्रोकल होता उल्टा, कि जिस प्रकार फिलिस्तीन ने जो इसराइल के ऊपर मिसाइलें दागी हैं और उन्होंने अपने आयरन डोम से उनको रोक दिया, रेसिप्रोकल वार था वो, मतलब उसने डाली मिसाइलें और उन्होंने ऊपर ही रोक दिया, उनको डिफ्यूज कर दिया, परंतु इन्होंने जो मिसाइलें दागी उनके पास ऐसा कोई आयरन डोम फिलिस्तीन के पास नहीं था। तो यहां पे वही बात कह रहे हैं कि इस प्रकार के तरीके आ गए हैं, द यूज ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ वार के अंदर युद्ध के जो आधुनिक तरीके अपनाए गए अफगानिस्तान में, हैज मेड इट पॉसिबल, ये संभव हो सका टू अवॉइड द रेसिप्रोकल अटैक, कि जो उल्टा प्रहार करे उससे बचने के उनके तरीके हो गए हैं। सम पीपल जस्टिफाई दिस बाय सेइंग, सम पीपल कुछ लोग जो है ठीक ठहराते हैं, ये कहे कि अमेरिकन साइड सफर्ड इट्स कैजुअल्टी इन एडवांस, कि अमेरिकन लोगों को पहले ही इसके जान माल की हानि उठानी पड़ी थी क्योंकि उनको वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर उन्होंने अटैक किया था, दैट इज इन द अटैक ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक जो हुआ था, कुछ लोग ये कहते हैं अमेरिकन लोगों ने पहले ही अपनी जान माल की हानि उठाई है, इस वजह से इन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक किया, विच वॉज वेरी डिस्ट्रक्टिव, जो बहुत ही विनाशकारी था, जो वर्ल्ड वार सेंटर पे हुआ था। बट इट इज पॉसिबल दैट द अमेरिकन कैजुअल्टी विल बी फॉरगॉटन, बट परंतु ये संभव है कि अमेरिकन का जो जान माल की हानि हुई थी विल बी फॉरगॉटन, उसको भूला जाएगा, एंड पीपल विल रिमेम्बर ओनली द अटैक ऑन अफगानिस्तान, परंतु लोग केवल याद रखेंगे अफगानिस्तान के ऊपर जो अमेरिका ने युद्ध किया था। बट दिस टोटली मैकेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ डेथ इज नाउ नॉट न्यू, परंतु ये पूर्ण रूप से यांत्रिकी युद्ध जो प्रक्रिया है मौत की वो नई नहीं है। द हॉरर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जो यातना शिविरों का भय जो नाजी लोगों ने चलाया था, कैंप्स ऑफ द नाजी टू डिस्ट्रॉय द अटरली पावरलेस ज्यूज, कि उन्होंने नष्ट कर दिया था पूर्ण रूप से शक्तिविहीन यहूदियों को, वाज फार वर्स देन द डिस्ट्रक्टिव कॉज बाय द अमेरिका इन अफगानिस्तान,
वो बहुत ही बदतर था जो यहूदी लोगों के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कैंप यातना शिविरों के अंदर हिटलर ने जो काम किया था, अरे जो अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने जो विनाशकारी लड़ाई लड़ी है उससे भी भयानक वो अनुभव थे उन यहूदी लोगों के। द मैकेनाइजेशन ऑफ वार स्टार्टेड विद द फैक्ट्रीज ऑफ वेपन, जो मैकेनाइजेशन ऑफ वार है यांत्रिकीकरण जो है युद्ध का शुरू हुआ जब फैक्ट्री हथियारों की लग गई तब से। टुडे देर आर बम्स गाइडेड बाय द कंप्यूटर, आज के समय में हमारे पास बम है जो कंप्यूटर से जिनको चलाया जाता है। इट इज पॉसिबल, यह संभव है दैट द फ्यूचर वार विल बी फोट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कि भविष्य में जो लड़ाई है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर लड़ी जाएंगी। विद द रियल कैजुअल्टी अकरिंग फार अवे, और वास्तविक जो जान माल की हानि जो है कहीं दूर घटित होगी। कंप्यूटर से अमेरिका से बम डाल दिया जाएगा, हो सकता है कि दूर मतलब हजारों किलोमीटर दूर जाके दूसरे देश में गिरे और कैजुअल्टी वहां पे होंगी। इट इज अ ग्रेट ट्रूथ, ये बहुत बड़ी सच्चाई है ऑफ द पोस्ट मॉडर्न टाइम से कि उस समय के। इट इज ग्रेट ट्रूथ, ये बहुत बड़ी सच्चाई है ऑफ द पोस्ट मॉडर्न टाइम्स की आधुनिकतर, आज के समय के बाद में जो समय आएगा पोस्ट मॉडर्न, एक प्री मॉडर्न होता है एक पोस्ट मॉडर्न, बाद का जो समय है इस प्रकार के युद्ध है लाइक द वियतनाम वार और अफगानिस्तान वार आर नॉट पॉसिबल इन एडवांस इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी, वो संभव नहीं है इस अग्रिम किस्म की औद्योगिक समुदाय में। गवर्नमेंट इन बोथ अमेरिका एंड रशिया वर अनसीटेड व्हेन द सिटीजन गॉट वेरीज ऑफ द कैजुअल्टीज रिपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इन बोथ अमेरिका एंड रशिया की जो सरकारें वर अनसीटेड, इनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा, सत्ता से हारना पड़ा। व्हेन द सिटीजन गॉट वेरी, जब नागरिक जो है थक गए थे, वीर होता थक जाना, ऑफ द कैजुअल्टी रिपोर्ट की उनकी जान माल की हानि की सूचना सुन सुनकर जब थक गए थे, अमेरिका और रशिया को जो है अपने जो सरकारें थी उनको हाथ धोना पड़ा। बट व्हेन वन साइड डज नॉट सफर कैजुअल्टी इन वार, परंतु जब एक तरफ से किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि नहीं होती है, देयर इज नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर वो कोई उत्तरदायित्व का आभास ही नहीं करते, उत्तरदायित्व भी नहीं समझते अपना, कि उनको तो कोई मर ही नहीं रहा उनका तो। Then war become just a game or an exercise, तो उस समय में जब एक साइड में लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ उनका कुछ भी नहीं हो रहा है, तो युद्ध जो है एक प्रकार का खेल बन जाता है या फिर अभ्यास बन जाता है। इन द एंड में द राइटर सेज दैट वी हैव एंटर्ड इन 21st सेंचुरी, लेखक कहते हैं कि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। विद टेररिस्ट ऑन वन साइड, एक तरफ तो हमारे आतंकवादी हैं, एंड मैकेनिकल वार ऑन द अदर, और दूसरी तरफ जो है तकनीकी युद्ध है। इसके अंदर हमारे जो राइटर्स हैं, स्टेट्समैन से कूटनेता, इन्होंने जो पत्रिका में लिखा है ये ऐसे युद्ध के भय, इन्होंने पुरानी बातें भी बताई, और जो करंटली अफगानिस्तान में चल रहा है, वियतनाम के अंदर अफगानिस्तान जो अमेरिकन सेना आई थी उनको काफी सारी कैजुअल्टी सहन करनी पड़ती थी, और मतलब हार मान के लगभग उन्होंने जाना पड़ा था। इसी तरीके से रशिया जो अफगानिस्तान के अंदर एंट्री की थी, वो भी मतलब जो पहली लड़ाई थी वो दूसरे किस्म की थी, परंतु आज के समय में जो मैकेनाइज लड़ाई है, वो जो गरीब देश हैं, अगर उनको बहुत ज्यादा पीड़ित होना पड़ेगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है वो दूसरे देशों के ऊपर मिसाइलें डालेंगे या बम डालेंगे, और उनकी कोई भी कैजुअल्टी नहीं होगी, सहन करना पड़ेगा उन लोगों को। जिस प्रकार अभी इसराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर अटैक किया है और फिलिस्तीन के बहुत से लोग उसके अंदर मारे गए, परंतु इसराइल के कुछ ही लोग एक आध बार जो है दो चार आदमी उनके मरे हैं, नहीं तो उनकी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। सेकंड फिफ्थ लेसन है, एक लेसन और बाकी है, वो भी साथ के साथ डाले थे, और फिर सारा का सारा सिलेबस जो है आपका इकट्ठा, सारे के सारे वीडियो जो है इकट्ठे करके मैं डालने की कोशिश करूंगा, टाइम जैसे ही लगेगा आप इकट्ठी भी वीडियो देख सकते हैं। स्टूडेंट बीएससी सेकंड सेम का जो लास्ट लेसन है, 7 टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी, अमृतेशन का लिखा हुआ है, अमृतेशन हमारे नोबेल प्राइज विनर्स हैं। कौन कौन सी इनइक्वलिटी, जेंडर इनइक्वलिटी, मतलब लिंग भेद एक प्रकार से हम कह सकते हैं, मतलब लड़कियों के साथ लड़कों की बजाय कौन सी चीजों में असमानता का सामना करना पड़ता है, यहाँ पे हमारे को 7 प्रकार की इनइक्वलिटी बताई है ही और शी के अंदर। सबसे पहले है मोर्टेलिटी इनइक्वलिटी, वर्ड से भी हमें पता लग जाएगा लगभग, मोर्टेलिटी होता है मतलब मृत्यु दर, जिसको हम कहते हैं कौन, मतलब छोटी उम्र में जो है लड़कियां ज्यादा मरती हैं और लड़के कम मरते हैं, उसको मोर्टेलिटी की इस तरीके से देखभाल नहीं होती है। नेटेलिटी इनइक्वलिटीज होता है, नेटेलिटी मीन्स होता है बर्थ रेट, जिसको हम सेक्स रेशो कह लें, कि बर्थ रेट जो है लड़कियों का कम है लड़कों का ज्यादा। बेसिक फैसिलिटी इनइक्वलिटी, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो लड़कियों को कम उपलब्ध कराई जाती हैं,
लड़कों को ज्यादा करवाई जाती है। स्पेशल अपॉर्चुनिटीज, विशेष अवसर उपलब्ध कराना, प्रोफेशनल पेशेवर इनइक्वालिटी, ओनरशिप इनइक्वालिटी। ओनरशिप होता है माल के आना बदे, जब मतलब अगर एक लड़का और एक लड़की है तो मकान या जो प्रॉपर्टी है इनहेरिटेंस जो है वो लड़कों के नाम होगी, लड़कियों के नाम नहीं। तो हाउस होल्ड इनइक्वालिटी, हाउस होल्ड मीन्स घर के अंदर जो काम होगा वो पूर्व निर्धारित है हमारे समाज के अंदर, कौन सा काम जो है वो औरतों के लिए है और कौन सा काम आदमियों के लिए है। चाहे दोनों के दोनों जो है ही और सी, दोनों हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों जॉब में है तो डबल काम जो है औरतों को करना पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ता है और जॉब भी करनी पड़ती है। तो ये सात प्रकार की इनइक्वालिटी समुदाय के अंदर पाई जाती है, हर कोई जानता है, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात इसके अंदर नहीं है। मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी, मैटरलिटी इनइक्वालिटीज, बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज इनइक्वालिटी, प्रोफेशनल इनइक्वालिटी, ओनरशिप इनइक्वालिटीज, हाउस होल्ड इनइक्वालिटीज। अब समरी कर लेते हैं इसकी डिटेल में, अगर लेसन करते हो तो थोड़ा मुश्किल भी है, उलझी कंफ्यूजन भरा है, समरी में हमारे को इजीली हो जाएगा। ड्यूरिंग द रीन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर क्वीन विक्टोरिया का जो शासन था वो भी लेडीज थी उस समय में, सर्टेन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, कुछ औरतों के संगठनों ने स्टार्टेड अ मूव फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन्स, औरतों के अधिकार के लिए आगे आना शुरू कर दिया, मींस आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया। क्वीन विक्टोरिया कुड नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मूवमेंट, जो क्वीन विक्टोरिया थी वो नहीं समझ पाई इसका महत्व, इस आंदोलन का महत्व क्या है, ये औरतें क्या चाहती हैं। शी वाज ए वेरी पावरफुल एम्परर ऑफ इंग्लैंड, वो तो सम्राट थी इंग्लैंड की, पावरफुल थी। शी डिड नॉट नीड एनी प्रोटेक्शन, उसे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, एज फॉर एज वुमेन्स राइट वर कॉन्सर्न, जहां पर औरतों के अधिकार की बात है। दैट इज वाई सी रोट टू सर थियोडे, सी रोट टू सर थियोडोर मार्टिन को, उसने कंप्लेनिंग अबाउट दिस मैड विग फॉर वुमेन्स राइट, उसने सर थियोडोर मार्टिन को लिख शिकायत की इसके बारे में, ये पागलपन विग जो था दुष्टतापूर्वक मूर्खता औरतों के अधिकारों की। बट दैट डज नॉट एंड द नीड ऑफ प्रोटेक्शन टू वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, परंतु ये समाप्त नहीं कर सकी नीड ऑफ प्रोटेक्शन, सुरक्षा की आवश्यकता है औरतों को सारी दुनिया के अंदर, इन ईच कम्युनिटी, प्रत्येक समुदाय के अंदर, नेशनलिटी राष्ट्रीयता के अंदर, एंड क्लास वर्क के अंदर, द बर्डन ऑफ हार्डशिप जो बोझ है कठिनाइयों का, ऑफन फॉल्स डिसप्रोपोर्शनेटली ऑन वुमेन, हमेशा मतलब गैर अनुपातिक तरीके से औरतों के ऊपर ज्यादा डाला जाता है। द बर्डन ऑफ हार्डशिप जो कठिनाइयों का बोझ है, ऑफन फॉल्स डिसप्रोपोर्शनलिटी, डिसप्रोपोर्शनेटली होता है ज्यादा मात्रा में ऑन वुमेन, औरतों पर डाला जाता है, अनुपात में ज्यादा कह लें। There is a deeply unequal sharing of burden of adversities between man and woman. There is deeply unequal, बहुत ज्यादा गहराई से असमान sharing हिस्सा है और burden बोझ का of adversity, विपताओं का, संकटों का, मुसीबतों का, adversities means between man और woman, आदमी और औरतों के बीच में। Gender inequality exists in most part of the world. Gender जो लिंग भेद की असमानता है वो सारी दुनिया में उपलब्ध है। जेंडर इनइक्वलिटी एग्जिस्ट होता कायम रहना कि जो लिंग भेद की असमानता है वो कायम है इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अधिकतर हिस्सों में इट एग्जिस्ट इवन इन द एडवांस कंट्री, यहाँ तक जो बहुत ही एडवांस डेवलप कंट्री है, विकसित देश है लाइक यूनाइटेड स्टेट एंड जापान, उनमें भी है ये, अमरीका और जापान में भी है। द राइटर्स लेखक कहते हैं दैट इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों में द इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन डायरेक्टली इन्वॉल्व्स मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, असमानता आदमी और औरत के बीच में सीधे तरीके से शामिल होता है जिंदगी और मौत। इट इज विजिबल इन द मैटर ऑफ ब्रिंगिंग अप द गर्ल्स एज कंपेयर टू द बॉयज, इट इज विजिबल, ये दिखाई देता है, ब्रिंग अप होता पालन पोषण करना, लड़के और लड़की का पालन पोषण करने में जो तुलना होती है वो देखा जा सकता है। देयर इज ए बायस होता है पक्षपात करना अगेंस्ट गर्ल्स इन द मैटर ऑफ हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता है मतलब पोषक तत्व देने में और या हेल्थ का स्वास्थ्य का देखभाल करने में लड़के और लड़कियों के साथ पक्षपात होता है, बायस होता है। एज ए रिजल्ट द मोर्टेलिटी रेट इज हाई अमंग्स द फीमेल्स, तो जो मरने की मृत्यु दर है वो लड़कियों में ज्यादा है औरतों में, पर्टिकुलर इन द चाइल्डहुड, विशेषकर बचपन के अंदर। सो देर इज ए मेजोरिटी ऑफ मैन इन द टोटल पॉपुलेशन, तो इसलिए जो पूरी जनसंख्या है हमारी उसके अंदर ज्यादातर आदमी है। इन दो सोसाइटी इन विच देर इज नो और लिटल जेंडर बायस, के ऐसे समुदाय जिनके अंदर या तो पक्षपात है नहीं या है तो बहुत कम है लिंग भेद का अगेंस्ट वुमेन, औरतों के खिलाफ, इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य और
पोषक तत्व, पोषकता के अंदर देर इज नो और लिटल, जनरली उन समुदाय के अंदर जहां पर या तो कोई भेदभाव है नहीं, या है तो थोड़ा है अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ, इन हेल्थ स्वास्थ्य संबंधी और पोषण संबंधी, न्यूट्रिशन तो पोषण। देर इज ए मेजोरिटी ऑफ वुमेन्स की दे, वहां पे औरतों की जनसंख्या ज्यादा है, जिन समुदाय के अंदर औरतों के साथ भेदभाव नहीं होता है किसी प्रकार का हेल्थ के बारे में या पोषणता के बारे में, तो वहां पे औरतों की जनसंख्या मेजोरिटी ज्यादा है। द मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी हैज बीन ऑब्जर्व एक्सटेंसिवली नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया एंड इन एशिया इंक्लूडिंग चाइना एंड साउथ एशिया। द मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी, जो ये नश्वरिक से मतलब मोर्टेलिटी मरने की जिसको हम कहें ऐसा मानता है, मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी जो मरने की मृत्यु दर की जो असमानता है, हैज बीन ऑब्जर्व एक्सटेंसिवली ज्यादा देखी गई है इन नॉर्थ अफ्रीका और एशिया में इंक्लूडिंग चाइना और साउथ ईस्ट साउथ एशिया, भी अपना देश भी उसी में शामिल है। इन मैनी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, बहुत से पुरुष प्रधान जो समुदाय हैं, देर इज प्रेफरेंस फॉर बॉयज ओवर गर्ल्स, की लड़कियों की बजाय लड़कों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इवन एजुकेटेड पीपल विश दैट देयर न्यू बोर्न शुड बी ए बॉय रादर देन एगर, कि यहां तक पढ़े लिखे लोग भी ये इच्छा करते हैं कि जो बच्चा जन्म लेगा वो लड़का होना चाहिए लड़की के बजाय। इन द पास्ट, भूतकाल में, पुराने समय में, इट वाज ओनली एबीसी, केवल इच्छा होती थी, बट नाउ देयर आर मॉडर्न टेक्निक, परंतु आधुनिक तकनीकें आ गई हैं विच डिटरमाइन सेक्स, जो लिंग के बारे में निर्धारित कर देती है ऑफ ए चाइल्ड के इवन बिफोर इट्स बर्थ, जन्म से पहले ही बच्चे के लिंग के बारे में पता लग जाता है। So those parents who want their newborns to be a boy, तो इसलिए जो माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका जो बच्चा जन्म लेगा वो लड़का हो, resort to abortion, वो गर्भपात पे उतर आते हैं। If the ultrasound test shows, अगर ultrasound के अंदर test में दिखा जाता है the unborn child is to be a girl, कि जो अजन्मा बच्चा है वो लड़की है, उसका गर्भपात करवा देते हैं। This kind of sex selective abortions has become common in many countries. इस प्रकार का जो लिंग सिलेक्टिव निर्धारण जो है अबॉर्शन गर्भपात हैज बिकम कॉमन इन मेनी कंट्री, बहुत से देशों में आम हो गया है। इट इज प्रीवेलेंट इन ईस्ट एशिया में, पार्टिकुलर इन चाइना एंड साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा विशेष तौर पे, एंड आल्सो इन ताइवान और सिंगापुर में भी। इन इंडिया में इट इज आल्सो वेरी कॉमन, भारत में भी आम बात है। Although there is a legal ban on pre-birth sex determination test, यदि भी भारत के अंदर पूर्ण रूप से बैन किया हुआ है किसी भी अल्ट्रासाउंड के ऊपर, कि जन्म से पहले बच्चे का लिंग का पता लगवाने पे बैन है, it is common in other country of South Asia, के दूसरे देशों में आम बात है। The author called it high-tech sexism, लेखक जो है इसको high-tech, ऊंचे तकनीक का लिंग भेद कहते हैं, लिंग काले। Even in society where anti-female bias is not visible in the matter of health care and nutrition or pre-birth sex determination, even in society, yahan tak un samuday ke andar where anti-female bias, jahan par ye ling ka bhed auraton ke sath nahi hai, is not visible, dikhai nahi deta jahan pe, in the matter of health, swasthya ke bare mein, and nutrition, poshan ke bare mein, aur pre-birth sex determination ya janam se pehle sex ka pata lagana, ye nahi hai, there is a इनइक्वालिटी इन अदर स्पेयर्स, के दूसरे क्षेत्रों के अंदर असमानता, स्पेयर दूसरे क्षेत्र होती है। इन मैनी वेज, बहुत से तरीके से वुमेन्स हैव लेस देन ए स्क्वेयर डील एज कंपेयर टू मेन्स। इन मैनी वेज, कई तरीके से वुमेन हैव लेस देन ए स्क्वेयर डील होता, अच्छा व्यवहार करना एज कंपेयर टू मैन, की औरतों की बजाय आदमियों की बजाय औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। देर आर मैनी कंट्रीज इन एशिया, एशिया के अंदर बहुत से देश, अफ्रीका में, लैटिन अमरीका के अंदर, where girls have far less opportunities of going to school than the boys do, जहां पर लड़कियों के चांस जो है स्कूल में, अवसर जो है कम मिलते हैं लड़कियों को, लड़कों की बजाय स्कूल जाने के। देर आर अदर डेफिशियंसीज इन द बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल टू गर्ल्स, देर आर अदर डेफिशियंसीज होता कमी, बहुत सी कमियां हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए जो लड़कियों के लिए उपलब्ध होती हैं। दे आर जनरली नॉट अलाउड टू कल्टिवेट देयर नेचुरल टैलेंट, उनको लड़कियों को स्वाभाविक तरीके से कोई उनके अंदर गुण है, प्राकृतिक गुण है, उसको भी उभरने नहीं दिया जाता। देयर पार्टिसिपेशन इन द सोशल फंक्शन, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या जाना है सामाजिक फंक्शनों के अंदर ऑफ द कम्युनिटीज निग्लिजेबल होता है, मतलब नगण्य, बहुत कम है। सामाजिक जो फंक्शन है, कार्य है, उनका योगदान या उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल निग्लिजेबल है, मतलब नगण्य, जो ना के बराबर कह लिया।
इन मैनी कंट्री बहुत से देशों के अंदर गर्ल्स आर नॉट डिनाइड द बेसिक फैसिलिटीज इंक्लूडिंग स्कूलिंग, कि लड़कियों को मना नहीं किया जाता है मौलिक सुविधाओं से, जिसमें स्कूल में जाने वाली बात भी है। और यद्यपि द अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर एजुकेशन, यद्यपि जो अवसर है उच्च स्तर शिक्षा का मे बी फार फ्यूअर फॉर यंग वुमेन, औरतों के लिए बहुत कम है देन द यंग मैन आदमियों की बजाय। दिस बायस अगेंस्ट वुमेन, ये जो पक्षपात है औरतों के खिलाफ, कैन बी ऑब्जर्व देखा जा सकता है इवन इन सम ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट एडवांस नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ तक सबसे बड़े अमीर और सबसे विकसित देशों में यूरोप के और नॉर्थ अमेरिका के इस प्रकार के पक्षपात देखे जा सकते हैं। समटाइम दिस बायस इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट देयर आर सेपरेट प्रोविजंस फॉर मैन एंड वुमेन्स। कई बार जो है ये विरोधाभास होता है, पक्षपात होता है इस सिद्धांत के ऊपर कि आदमी और औरतों के अलग अलग क्षेत्र हैं। सेपरेट प्रोविंस वैसे प्रांत होता है, परंतु यहाँ क्षेत्र लगाएंगे, अलग अलग प्रांत है, अलग अलग क्षेत्र हैं। दिस थ्योरी हैज बीन एडवोकेटेड इन डिफरेंट फॉर्म, इस सिद्धांत का समर्थन किया गया अलग अलग रूपों में, ओवर द सेंचुरी शताब्दियों से इसका समर्थन किया जा रहा है। इन 1766 में जेम फोर्डिस ने लिखा है बुक सर्मन्स टू यंग वुमेन, सर्मन तो आप कोई किताब लिखी उन्होंने, सर्मन टू यंग वुमेन। इन दैट बुक में ही साइड उसने कहा दैट स्पीयर्स वर फॉर मैन ओनली, क्षेत्र जो है केवल आदमियों के लिए होते हैं। दीस स्पीयर्स वर लाइक कॉमर्स, ये अक्षेत्र कह लें सम स्पीयर, कुछ अक्षेत्र जो है आदमियों के लिए होते हैं, बात कहते हैं ही साइड दैट सम स्पीयर्स वर फॉर मैन ओनली, कुछ अक्षेत्र जो है आदमियों के लिए ही होते हैं। दीस स्पीयर्स वर लाइक जैसे कॉमर्स वाणिज्य, पॉलिटिक्स राजनीति, एक्सरसाइज ऑफ स्ट्रेंथ मतलब ताकत का अभ्यास करना, डेक्सटरिटी होता कुशलता, फिलोसफी दर्शन शास्त्र एंड साइंस और विज्ञान, ये जो है कुछ जगह पे ये सोची जाती है कि ये केवल आदमियों के लिए होते हैं। ही वांट वुमेन नॉट टू ट्राई टू इंटर दिस फील्ड, वो चेतावनी देते हैं कि औरतों को इन क्षेत्रों में प्रवेश करने की कोशिश ना करें। इवन नाउ दिस काइंड ऑफ बायस अगेंस्ट वुमेन, यहां तक इस प्रकार का पक्षपात औरतों के खिलाफ इज फाउंड इन मैनी एरिया ऑफ एजुकेशन, कई क्षेत्रों में शिक्षा के, ट्रेनिंग प्रशिक्षण के एंड प्रोफेशनल वर्क और पेशेवर काम के, इवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज, यहां तक पश्चिम के देशों में जो एडवांस कंट्री है वहां भी पाया जाता है। देयर इज इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, आदमी और औरतों के बीच में असमानता है इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार एंड प्रमोशंस और उन्नति तरक्की के मौकों के अंदर। इवन इन एडवांस कंट्री लाइक जापान, यहां तक जो बहुत ही अग्रिम देश है जापान जैसे, देयर मे बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, असमान इक्वल मतलब समान अवसर मिलते हैं औरतों को इन द मैटर ऑफ बेसिक फैसिलिटी से संबंधित चीजों में, मौलिक सुविधाओं से, और इवन द हायर एजुकेशन जैसी चीजें भी जापान जैसे देशों में बराबर मिलती हैं। बट देयर आल्सो प्रोग्रेस टू हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन मे बी मच मोर प्रॉब्लमेटिक फॉर वुमेन देन ए मैन, बट देयर आल्सो प्रोग्रेस टू हाई लेवल, परंतु यहाँ पे तरक्की करना, रोजगार के क्षेत्र में ऊंचे अवसर पर जाना या तरक्की लेना, प्रमोशन करना मे बी मच मोर प्रॉब्लमेटिक, समस्या पूर्वक है औरतों के लिए आदमियों की बजाय, मतलब तब प्रमोशन लेना औरतों के लिए मुश्किल है आदमियों की बजाय। द राइटर गिव्स एन एग्जांपल, लेखक हमारे उदाहरण देते हैं। इन ए टेलीविजन सीरियल यस मिनिस्टर, एक टेलीविजन में नाटक आया था यस मिनिस्टर, द मिनिस्टर इज फुल ऑफ रिफॉर्मिंग जील्स, की जो मिनिस्टर थे वो भरे हुए थे जोश से, उत्साह से, सुधार करने के उत्साह से, रिफॉर्म होता सुधार करना चाहते थे। ही ट्राइज टू फाइंड फ्रॉम हिज सेक्रेटरी, अपने सचिव से ये ढूंढने की कोशिश की हाउ मेनी वुमेन आर इन रियली सीनियर पोजिशन इन द ब्रिटिश सिविल सर्विस के अंदर, जो IAS की पोस्ट है ब्रिटिश क्षेत्र में, कितनी औरतें हैं उसके अंदर वास्तव में। द सेक्रेटरी सेज, सेक्रेटरी कहता है दैट इट इज डिफिकल्ट टू गेट द एग्जैक्ट नंबर, सही संख्या तो हमें पता नहीं लग सकती, बट द मिनिस्टर आस्क हिम टू टेल हिम द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सच वुमेन, कह रहे कि अंदाजा बता दो भी कितनी औरतें होंगी, मिनिस्टर ने कहा उसको सेक्रेटरी को। द सेक्रेटरी रिप्लाई, सेक्रेटरी सचिव उत्तर देता है दैट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द वुमेन इन हायर सर्विसेज नील, कि जो ऊंचे दर्जे की जॉब्स हैं वहां पे औरतों की संख्या जीरो है। दिस शोज दैट इन द मैटर ऑफ हायर पोस्ट, इसे ये पता लगता है कि ऊंची जो पद हैं, देयर इज इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, आदमी और औरतों के बीच में असमानता है। इन मैनी सोसाइटी, बहुत से समुदाय में देयर इज इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, आदमी और औरतों के बीच में असमानता है। इन द मैटर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब जो प्रॉपर्टी का अधिकार है उसके मामले में, इवन बेसिक असेट, यहाँ तक जो मौलिक जो संपत्ति है सच एज होम, जैसे घर, जमीन, लैंड्स मे बी शेयर्ड अनइक्वली, उसका भी बंटवारा असमान तरीके से होता है। द एब्सेंस ऑफ क्लेम टू प्रॉपर्टी कैन नॉट ओनली रिड्यूस द वॉइस ऑफ वुमेन, द एब्सेंस ऑफ क्लेम टू प्रॉपर्टी
कि प्रॉपर्टी के ऊपर दावा करने की अनुपस्थिति कैन नॉट ओनली रिड्यूस द वॉइस ऑफ वुमेन, केवल औरतों की आवाज को ही नहीं दबाता है, इट कैन ऑल्सो मेक इट हार्डर फॉर देम, ये उनके लिए और मुश्किल कर देता है टू इंटर एंड फ्लोरिश कॉमर्शियली, कि प्रवेश करना और पनपना, बढ़ना, फ्लोरिश कर बढ़ना होता है इन कॉमर्शियली, इकोनॉमिकल एंड आर्थिक तरीके से, इन सोशल एक्टिविटी, यहां तक सामाजिक गतिविधियों के अंदर भी आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, वाणिज्यिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों। दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी हैज एग्जिस्टेड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस प्रकार की असमानता दुनिया के अधिकतर हिस्सों में है। दो देर आर लोकल वेरिएशन, यद्यपि लोकल स्थानीय जो है बदलाव अलग अलग होते हैं, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, इवन दो ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी राइट हैव फेवर्स मैन इन बल्क इन इंडिया, कि भारत के अंदर जो परंपरागत प्रॉपर्टी का अधिकार है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है आदमियों के पक्ष में है। इन केरला में देयर हैज बीन ट्रेडिशन, एक परंपरा है इन केरला में, देयर हैज बीन ट्रेडिशन ऑफ मैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस, मैट्रिलिनियल होता मातृत्व, माँ की इनहेरिटेंस, विरासत में मिलना, फॉरेन इन्फ्लुएंशियल पार्ट्स की अधिकतर प्रभावशाली हिस्सों में, ऑफ द कम्युनिटी नोन एज इनहेरिटेंस फॉर द इन्फ्लुएंशियल पार्ट्स ऑफ द कम्युनिटी, मतलब प्रभावशाली हिस्सा है ये समुदाय का, नोन एज द नैयर के नाम से जिसे जाना जाता है, उसमें जो लड़की को है विरासत का अधिकार है, मीन्स इसमें केरला के अंदर ही नैयर कम्युनिटी है, ये बहुत ही प्रभावशाली कम्युनिटी है, उसके अंदर लड़कियों को विरासत का अधिकार है, प्रॉपर्टी में अधिकार लेना का है। देयर आर बेसिक इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इवन विद इन द फैमिली, मौलिक जो है असमानताएं होती है यहाँ तक आदमी और औरतों के बीच में, परिवार में भी और हाउस होल्ड घर के कामों में, विच कैन टेक मैनी डिफरेंट फॉर्म, जो कई रूप ले लेती है। सम अर्बन फैमिली आर एडवांस एंड वी डू नॉट फाइंड एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर ऑफ फीमेल सर्वाइवल, कुछ जो शहरी अर्बन फैमिलीज हैं, शहरी जो परिवार हैं, आर एडवांस, बहुत ही अग्रिम है, एंड वी डू नॉट फाइंड एनी डिस्क्रिमिनेशन, होता भेदभाव, और हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं दिखाई देता इन द मैटर ऑफ फीमेल सर्वाइवल, मतलब औरतों के जिंदा रहने में या तरक्की करने में, सन परफ्रेंसिस से मतलब लड़के की प्राथमिकता देना और एजुकेशन में, इस प्रकार की चीजों में कुछ अर्बन शहरों में परिवारों में कुछ असमानता नहीं मिलती है। Perhaps we may find bias in the matter of even promotion to higher position. शायद we may not find कि हमें ये पक्षपात ना मिले प्रमोशन में या ऊंचे पदों के अंदर। Yet there is inequality in those household, परंतु असमानता तो उन घरों में भी होती है। In the matter of sharing the burden of housework, घर का काम कौन क्या करेगा और चिल्ड्रन केयर, बच्चों की देखभाल कौन करेगा, ये असमानता तो वहां भी पाई जाती है। Men generally do not share the task of household, आदमी जो है आमतौर पे घर का काम नहीं करवाते हैं, एंड लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड, बच्चे की देखभाल की जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। इवन इफ बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर इन सर्विस, यहाँ तक दोनों पति पत्नी अगर नौकरी करते हैं, द वुमेन हैज टू डू एक्स्ट्रा वर्क, औरत को अलग से काम कर, औरतों को अलग से काम करना पड़ता है ऑफ रनिंग द हाउस होल्ड, घर का काम चलाने में, एंड लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, और बच्चों की देखभाल करने का अलग से काम उन्हें करना पड़ता है। इट इज कॉमन इन द एडवांस सोसाइटी टू थिंक इट नेचुरल दैट व्हाइल मैन वर्क आउटसाइड द होम्स एंड वुमेन विल वर्क इन एट होम इन द होम, इट इज कॉमन इवन द एडवांस सोसाइटी, यहां तक जो बहुत ही एडवांस सोसाइटी है, बहुत ही आगे गई हुई समुदाय है, वो टू थिंक इट नेचुरल, स्वाभाविक तरीके से सोच है उनकी, दैट व्हाइल मैन विल वर्क आउटसाइड, के आदमी बाहर काम करेंगे आउटसाइड द होम, घर से बाहर, एंड द वुमेन विल वर्क इन द होम, और औरतें घर का काम करेंगे। इफ द वाइफ इज ऑल्सो एम्प्लॉयड, अगर पत्नी जो है वो रोजगार पे है, नौकरी करती है, शी विल हैव टू डू द डबल वर्क, उसे दोहरा काम करना पड़ेगा, दैट इज द ऑफिस एज वेल एज द हाउस होल्ड ड्यूटीज, ऑफिस का भी काम और घर का भी काम। दिस इज समटाइम कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर, इसको कई बार जो है मतलब मजदूरी का बंटवारा कह लें हम, लेबर का बंटवारा कहा जाता है, बट इन फैक्ट परंतु वास्तव में इट इज द एक्युमुलेशन ऑफ लेबर एज ए वुमेन वर्क इज इंक्रीज्ड, इन फैक्ट इट इज एक्युमुलेशन होता है इकट्ठा करना ऑफ लेबर का, एक जगह पे इकट्ठा करना श्रम का, एज ए वुमेन वर्क औरतों का काम समझाता था, इन इंक्रीज बढ़ा देते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मैन, अगर आदमियों की तुलना में देखें तो वास्तव में औरतों के ऊपर उस श्रम का मीन्स मेहनत का काम सारा उसी पे डाल दिया जाता है। द इफेक्ट ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज फाउंड नॉट ओनली विद इन द हाउस होल्ड, इस प्रकार का प्रभाव असमानता का केवल उन घरों में ही नहीं मिलता है, बट ऑल्सो इन द आउटसाइड वर्ल्ड, परंतु बाहरी दुनिया में भी मिलता है। इट हैज ग्रेट इफेक्ट ऑन द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क इन प्रोफेशनल सर्कल, इट हैज ए ग्रेट इफेक्ट, इसके बहुत प्रभाव होते हैं
उन्हें नॉलेज ज्ञान के ऊपर अंडरस्टैंडिंग समझ बूझ पे ऑफ डिफरेंट टाइप्स अलग अलग प्रकार की कामों में इन प्रोफेशनल सर्कल जो पेशेवर क्षेत्र के होते हैं। द जेंडर इनइक्वलिटी डज नॉट एग्जिस्ट ओनली इन द बैकवर्ड और डेवलपिंग कंट्री। ये जो लिंग भेद की असमानता लिंग असमानता है केवल पिछड़े हुए या विकासशील देशों में ही नहीं है, इट इज फाउंड इवन इन एडवांस वेस्टर्न कंट्री, यहां तक जो एडवांस जो विकसित पश्चिम के देश है उनमें भी है। द हैंडबुक ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, ये किताब है प्रिपेयर्ड बाई WHO ने लिखी है, आंकड़े जारी किए देश के द हैंडबुक ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की। ह्यूमन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट मतलब कहां पे कितनी पोषक कैलोरी की जरूरत किसको होती है उसमें बताया गया है। द कैलोरीज रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इज गिवन, तो इसमें इस बुक में हैंडबुक में ये बताया WHO ने किस प्रकार के लोगों को कितनी कैलोरी की जरूरत है। द राइटर वाज सरप्राइज, हमारे लेखक बड़े आश्चर्य में पड़ गए टू फाइंड ए पाकर दैट द बुकलेट उस पुस्तक के अंदर द हाउस होल्ड वर्क जो घर का काम है वाज क्लासिफाइड एज सेडेंटरी एक्टिविटी, उसको कहा कि बिना मेहनत का काम होता है इसमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती, ये बात उसमें WHO ने ह्यूमन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के अंदर कही है ये बातें, जबकि ये बिल्कुल टोटली गलत है, कोई इस बात को कंसीडर नहीं कर सकता, ना ही हमारे राइटर इस बात से सहमत है कि इसमें बहुत ताकत की या एनर्जी नहीं लगती, रिक्वायरिंग वेरी लिटल एनर्जी, कह रहा है कि इसके अंदर बहुत ही कम ऊर्जा की जरूरत होती है। द राइटर डिसएग्री विद इट, हमारे लेखक भी इस बात से असहमत है। हाउस होल्ड एक्टिविटी ऑल्सो रिक्वायर ए लोट ऑफ एनर्जी, घर के काम करने में बहुत से हमें ताकत की ऊर्जा की जरूरत होती है। ये वंडर उसे आश्चर्य होता है, हु हैड कलेक्टेड दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, किस प्रकार के आंकड़े किसने इकट्ठे किए हैं अबाउट हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम वेयर, घर के कामों के बारे में कहां से इकट्ठे किए हैं उन्होंने कि सेडेंटरी एक्टिविटी बता दिया घर के काम को। इट शोज दैट द बायस अगेंस्ट द वर्क डन बाय वुमेन एग्जिस्ट इवन एट द हाई लेवल, इसे ये पता लगता है कि पक्षपात जो है अगेंस्ट द वर्क काम वर्क डन बाय वुमेन जो औरतों के द्वारा काम किया जाता है एग्जिस्ट इवन इन द वेरी हाई लेवल, यहां तक बहुत ही ऊंचे दर्जे के जगह पर भी इनके साथ पक्षपात किया जाता है। मतलब ये चीजें हमने देखी भी किस प्रकार जो औरतों का हर क्षेत्र के अंदर जो है पक्षपात का सामना करना पड़ता है, और ये चीजें हमारे देश में जो है बिल्कुल वो कॉमन है, कोई जो कोई नई बात इसके अंदर नहीं है, हम रोजमर्रा इन चीजों को देखते हैं। अब सिर्फ ये बात कंसिडर करने की है कि कौन क्या कंसिडर करता है, कि उसको अपनी जिम्मेवारी समझता है या नहीं समझता है। ये लास्ट लेसन था आप लोगों का, मैंने कोशिश की है इसको डालने की पूरी आपकी वीडियो जो है सारा लेसन, और कर करूंगा मैं एक पार्ट में भी सबको दे दिया जाए।